इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग डे फॉर यू. पहले आपकी क्लासेस रही, उसके बाद नाउ वी हैव कॉल्ड यू फॉर दिस सेमिनार ऑल्सो. बट टू मच ऑफ नॉलेज इज नॉट इंजूरियस. आई होप यू नो दैट. आई थिंक दिस इज ओनली द वन थिंग विच इज नॉट इंजूरियस, इवन इफ इट इज टेकन इन अबंडेंट क्वांटिटीज. तो नॉलेज जहां से मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए. और अगर हमारे बीच कुछ ऐसी शख्सियत हो जिनकी पूरी लाइफ ही अपने आप में एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है, एंड वो सहज है और अप्रोचेबल है कि वो हमारे डाउट्स, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं का अपनी पूरी कैपेबिलिटी और सिंसेरिटी के अनुसार जवाब दे सकते हैं, तो आई फील इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू एंड टेक एडवांटेज. So friends, first of all, we hope you've all had a very good Diwali with your family members, especially after 2 years of struggle. 2 years of struggle with corona and lot of pessimism. Finally, aapne suna hoga angrezi mein kahawat hai na, there is a light at the end of the tunnel. Suna hai na aapne? Iska matlab hai ki sangharsh ki raat chahe kitni badi ho, par ant mein savera zarur rehta hai. But then, you know, students, at the same time, ye jo light hai, it symbolizes what? It symbolizes energy, new energy. It symbolizes new possibility, नई संभावनाएं. But किन के लिए संभावनाएं? संभावनाएं उनके लिए जिन्होंने सही दिशा में efforts लगाए हैं इन 2 सालों में. एक होता है कामना करना और एक होता है कर्म करना. तो जिन्होंने सही दिशा में कर्म किया है उनके लिए जो ये light है possibilities भी लेके आएगी, संभावनाएं भी लेके आएगी. और आप देख ही रहे हैं परीक्षाओं का महोत्सव चल रहा है ना, परीक्षाओं का महोत्सव. रीट की हुई, उसके बाद पीएसआई की हुई, यूपीएससी की प्री हुई, फिर आरपीएससी की प्री हुई. और यदि अगर आपने इस साल नहीं भी दिया है तो अगले साल आप भी महोत्सव में शामिल होने वाले हैं. पर आपकी दिशा सही रहे उसके लिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया है, ताकि समय रहते हम लोग ये पता कर पाए, जान पाए कि प्री को क्लियर कर लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, पर एट द सेम टाइम इट इज नॉट ऑल. ये सब कुछ नहीं होता. मेंस की रणनीति और प्री की रणनीति में बेहद अंतर है, और जितनी जल्दी इस अंतर का हमको पता चल जाए उतना बेटर हमारी प्रिपरेशन होगी. बिकॉज आई एम वेरी श्योर नोबडी इज सिटिंग ओवर हियर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लियरिंग प्री ओनली. है ऐसे कोई जिनको सिर्फ प्री क्लियर करना है? ऐसा तो है कोई? ऐसे नहीं, ऐसे कोई नहीं होंगे. आई एम वेरी श्योर, बिकॉज हमारी लड़ाई तब होती है पूरी जब हमारा नाम उस फाइनल लिस्ट में आता है. यदि आरएएस के हैं तो आरएएस की लिस्ट में, और यदि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वे सिविल सर्विसेज का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, हमारा फाइनल नाम जब वहां आता है तब जाके हमें सफलता सही मायने में प्राप्त होती है. हमने प्री के लिए जो भी तैयारी की थी उसमें जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपकी रेंज, आपकी नॉलेज की रेंज कितनी है. उस रेंज के चलते आप ऑप्शन को कैसे रिजेक्ट करते हैं, आप ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करते हैं. कई बार आपको पता रहता है कि हाँ यही सही ऑप्शन है, कई बार आप उस सही ऑप्शन तक आते हैं गेस करके, इन्फॉर्म्ड गेसिंग के थ्रू. तो ये इन्फॉर्म्ड गेसिंग जो होती है, जिनकी रेंज नॉलेज की ज्यादा है वो ही इन्फॉर्म्ड गेसिंग भी कर सकते हैं. नहीं तो वो सिक्का तो उछाल करके होगा नहीं काम, है ना? वो तो होगा नहीं, क्यों राहुल? सुन, है ना, वो तो सिक्का उछालने वाला तो काम होगा नहीं. तो इसीलिए इन्फॉर्म्ड गेसिंग, और इन्फॉर्म्ड गेसिंग भी वो कर पाएंगे जिनके पास रेंज होगी. तो प्री में रेंज इंपॉर्टेंट है, बट मेंस, जो मेंस है चाहे वो आईएएस या सिविल सर्विसेज का मेंस हो या वो आरपीएससी का आरएएस का मेंस हो, दोनों में एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन, आप अपनी बात कैसे सीमित शब्दों में सही समय में लिख सकते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मेंस. तो प्री में रेंज और मेंस में प्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, इसकी इंपॉर्टेंस होती है. और मेंस के ऊपर ही और गहराई से हम चर्चा करेंगे, आप उसको सुनिए भी, उसमें आप शामिल भी होइएगा, और कोई भी आपके प्रश्न होते हैं तो अंत में आप वो प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं हमारे Q&A राउंड में. और इन पूरे सेमिनार में मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ चुके हैं. और ये सेमिनार इसलिए भी खास है बिकॉज हमारे बीच उपस्थित है कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो इस एग्जाम को इतनी बारीकी से जानते हैं कि हर एक स्टेज में, हर एक स्तर में, चाहे वो क्वेश्चंस की चयन करना हो, प्रश्नों का चयन करना हो, सिलेबस में संशोधन करना हो, किस तरह से मार्किंग की जाती है, किस तरह से पेपर को आप आंकलन करते हैं, ये सारे कुछ डिटेल जो हमारे मन में बहुत रहस्य रहते हैं कि यूपीएससी में पेपर चेक कैसे होता है, मार्क्स कैसे दिए जाते हैं,
या फिर आरपीएससी में कौन से क्वेश्चंस हम लोग कैसे क्वेश्चंस का सेटलमेंट होता है, क्या एक ही व्यक्ति होते हैं या बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं, इन सब पे चर्चा भी हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हर एक प्रश्न पेपर का हम लोग आंकलन करें, ट्रेंड्स जाने कि अगर साइंस एंड टेक सिलेबस में है तो उसके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस तरह के ऐसे क्षेत्र हैं जिससे आरपीएससी या यूपीएससी प्रश्न देने के लिए संभावित वहां से वो प्रश्न उठा सकती है। तो इसके लिए हमें अपनी तैयारी में करना क्या होगा, ताकि अल्टीमेटली जब आप तैयारी करने बैठे इन सारे टिप्स को आप अपने माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी में धार लेके आए। मैं आपको व्यक्तित्व के बारे में बता रही थी, वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड वी आर वेरी वेरी इंडीड हम्बल्ड by the presence of this personality. I'm sure you must have seen him and you've heard a lot. If I call him the true son of Rajasthan, it is not an exaggeration. Sir has been an IAS officer and has served as secretary of tourism and minority affairs. And in his work time, sir has contributed immensely in whichever department he was posted to. A palace on wheels ke baare mein sab jante hi honge. Par aap shayad ye आप में से शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि पैलेस ऑन व्हील्स को रिवैम्प करने में और उसको इतना पॉपुलर करने के पीछे भी सर का ही मिडास टच जिसे कहते हैं वो था। अभी भी सर रिटायर्ड आईएएस से होने के बावजूद सक्रिय है और जहां पे भी सर को कोई भी कार्यभार दिया जाता है, वी ऑल नो दैट ही कम्स आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। एंड सर के पास एक रेयर ऑनर भी है, सम्मान है कि इन्होंने जब आरपीएससी चेयरमैन रहे तो अपने कार्यकाल में उन्होंने आरपीएससी की जो परीक्षाएं हैं रिकॉर्ड समय में करवाई और रिकॉर्ड समय में उनके जो परीक्षा फल थे, नतीजे थे, वो भी घोषित करवाए। ये ऐसी फीट है जिसके पीछे एक विल पावर, क्रिएटिव थिंकिंग एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। सो ही इज द पर्सन हु इज प्रेजेंट विद अस एंड वी आर फॉर्चुनेट एज आई टोल्ड यू टू हैव हिम अमंगस्ट अस। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वी हैव आवर ओन टीम मेंबर मिस्टर योगेंद्र, who has spent lot of time, उन्होंने अपना बहुत सारा समय papers के आंकलन में devote किया है और उनके insights शायद ही होता है कि वो गलत जाते हैं, तो इनको सुनना भी सौभाग्य की बात रहेगी सब students के लिए, आपके लिए भी और online जो हमसे students जुड़ चुके हैं उन सभी के लिए। And now without much ado, I'll call the first personality for the day, none other than Shri Lalit Pawar, and so we'll be really very fortunate. Have you here? I'm vaccinated. Are you? Sab hain? So now you can afford to be slightly liberal with our mask. Itni ghatiya bimar hai ye Manisha ji ki muh dikhane layak nahi choda. Bahut hi ghatiya bimari hai. Haath milane layak nahi choda, gale lagne layak nahi choda. Matlab kahin ka nahi choda. Phir bhi chhod rakha apni yahan. We are grateful to God ki hum sab yahan zinda hain aur baat kar rahe hain. Itne se kai priy log chale gaye. आदरणीय मनीषा जी, योगेंद्र जी और साथियों, सबसे पहले मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब जिंदा हैं। मेरा नाम ललित कुमार, मैं बाड़मेर का रहने वाला हूँ, बाड़मेर जिले में गांव है मेरा बालोतरा। और ऑफ कोर्स मैं इस बात के लिए बहुत मुझे गर्व होता है कि आई एम सन ऑफ द सॉइल, मतलब धरती पुत्र इसको कहते हैं। वो शख्सियत हम सबको बनना है, यानी आप सबको, यानी जमीन से जुड़े हुए पूरा इसको बंद कर, हमेशा लेक्चर शुरू करने से बंद कर दे ताकि वो भाग नहीं जाए, बड़ा मुश्किल से होता है ना। थैंक यू। तो साथियों, सबसे पहले मैं चाणक्य का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे सक्सेस गुरु एके मिश्रा जी, मैडम मनीषा जी, योगेंद्र जी और यहाँ की फैकल्टी और यहाँ के एकदम कमांडोज, यहाँ के जो बच्चे हैं ना काम करते हैं चाणक्य, हमें 10-15 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्योंकि मैं आर्मी से बहुत प्रभावित रहा हूँ और बॉर्डर जिले का रहने वाला हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने एक जॉनर बनाया, यानी एक वर्ग बनाया। दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं या दो तरह के वर्कर्स होते हैं। पहले वर्कर्स तो वो जिनको बुला के कहा यस राहुल ये काम होना है, जैसे आर्मी वाले कहते हैं यस सर, इट विल डन सर, कोई शक को पहले पूछ लेना, बाद में काम होना चाहिए टाइप्स।
कुछ होते हैं हमारे सरकार में, खासतौर से मैं 40 साल तक सरकार में रहा हूँ, आईएएस में रहा हूँ, 79 से आईएएस में हूँ मैं, उनको बोला अरे रामलाल यस सर, वो थोड़ा करना था कुछ लाया, वो कचौड़ी लानी थी एलएन, अच्छा सर एलएनजी सर दो रेलवे फाटक बीच में आती है सर, अच्छा तू रहने दिया मैं ले आऊंगा भाई। तो ये दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक तो होता है वो जो पहला था जिसको मैंने नाम दिया उसको कमांडो, कमांड कमांडो एक्शन, जैसे हमारे एनएसजी होते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, और एक होते हैं हमारे रामलाल तो है डिमांडो, क्या है डिमांडो, कमांडोज एंड डिमांडोज, लाइफ में दो तरह के इंसान आपको मिलेंगे, पहले वो जो कहेंगे कुछ भी कह दो हमें डू इट यस, जैसे आप लोग यहाँ आए ये संकल्प लेके आए हैं वी विल क्रैक क्रैक द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, क्रैक द एग्जाम ऑफ आरपीएससी एंड फॉर दैट मैटर क्रैक एनी एग्जाम दैट वी अटेम्प्ट। तो आप में से कोई डिमांडो तो नहीं है, डिमांडो पॉजिटिव सेंस में होना है, जैसे मनीषा जी ने कहा कि टू मच ऑफ नॉलेज इज नेवर डेंजरस नॉलेज, मैं अपनी माता जी की बात सुनाता हूँ आप, बाकी लेक्चर तो बाद में देंगे, पहले आपको घर की बात बता दो, मेरी माता जी टीचर है, दमयंती जी उनका नाम है, ठीक है, पिताजी भी टीचर थे, तो मेरी जो डीएनए है ना वो टीचिंग वाली डीएनए है, तो अगर ऑडियंस मिल जाए माइक मिल जाए सुनने वाले मिल जाए तो फिर मैं बंद होता ही नहीं हूँ, ठीक है, और आज मैं आपको घर की बात बताऊंगा, क्योंकि मैं मारवाड़ का हूँ बालोतरा का, तो मैं अपनी छोटी सी यानी चौथी पांचवी क्लास की बात बताता हूँ, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा। तो गांव में पंसारी की दुकान होती है, मैं जिस घर में रहता था वहाँ चार दुकान छोड़ के, चार पांच मकान छोड़ के पंसारी की दुकान थी भंवरलाल खंडेलवाल, वो दुकान का नाम था मदन मेहरबान, आज भी वो दुकान है जहाँ मैं रहता हूँ बालोतरा मेरे गाँव में, मेरे पुश्तैनी घर है। तो मेरी मेरे जो बचपन का नाम है घर का नाम, वैसे तो ललित हूँ घर में, मेरा नाम था लल्लू है तो है भी मैं, लेकिन लल्लू पंजू नहीं हूँ बट है तो है, तो मुझे मदर मेरी माँ प्यार से लल्लू कहते थे, और लल्लू भंवरिया कनु, भंवरिया मतलब भंवरलाल, दाल और चावल लिया बनाने थे, ठीक मैं गया आधा किलो पाव जो भी थी मैं लेके आया, तो मेरी माता जी ने क्या किया, बच्चों ध्यान से सुनना है जिंदगी में काम आएगी बात, और ये मैंने बात आज तक ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बताई है, सिर्फ ए के मिश्रा जी और मनीषा जी और चाणक्य को बता रहा हूँ, विजेंद्र जी मैंने क्या देखा घर में माताएं बहने क्या करती, जैसे अपन ने दाल चावल कुछ ला के दिया तो थाली लेंगे और सारा उसको उड़ेल देते हैं, उसको उसमें से कचरा निकालती है, कंकड़ निकालती है, मैं वॉच करता रहा, पहले चावल फिर एक परात ली, हमारे यहाँ परात कहते हैं उसको बड़ी, उसमें मूंग मूंग वाली दाल थी, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चौथी क्लास का ललित पवार नहीं लल्लू, अचानक मेरी माता जी ने जो टीचर हैं, माइंड यू शी इज अ टीचर वे बैक इन 1959-60 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो जिस अखबार के कागज में मदन मेहरबान भंवरलाल खंडेलवाल ने वो दाल चावल दिए थे ना बच्चों, उस पेपर को पढ़ा, मान लीजिए किसने वो लपेटी हुई थी दाल, तो दाल चावल तो प्रात में आ गए, वो चावल वाला निकाला, मैं ये सब देख रहा था, हमारे मारवाड़ी में माता जी को भाई कहते हैं, क्योंकि भाई और कहीं करो मतलब ये आपने क्या किया कि लल्लू ध्यान राज जिंदगी में, मतलब वो सीख 60 साल पहले की सीख मुझे जब तक याद है, आप भी याद रखना अपने बच्चों को भी बताना कि अखबार में बाई चांस कोई अड़ी बात लिखी हुई है काम रही है तो फेंके रहे पहले देख ले, मतलब फेंकने से पहले इसको देख, आप सब हिंदी फॉलो करते हैं ना, तो मारवाड़ में कहा कि कोई भी चीज कॉम रही है अट तक की वो दाल चावल जिसको अखबार में लपेटी, अखबार तो पुराना है पर बाई चांस कोई चीज कॉम रही है, ये मैंने गाठ बांधी, माता जी को सीख होती है जिंदगी भर काम आती, और एग्जैक्टली मैं आईएएस उस सीख के कारण बना कि कोई भी चीज आपके हाथ में आए फेंकने से पहले एक बार देख लो कहीं उसमें कोई काम की चीज तो नहीं, ये अप्रोच आपको यूपीएससी आरपीएससी में बहुत काम आएगा। मैं जब 11वीं क्लास में बाढ़ में पढ़ता था तो मुझे पता नहीं था आईएएस क्या होता, हमारे एक बहुत जबरदस्त कलेक्टर आए बाढ़ में से लेके, डॉक्टर आदर किशोर, वो इस दुनिया में नहीं है
मैं उनको गुरु और प्रेरणा मानता हूं। अगर मैं एकलव्य हूं तो वो मेरे द्रोणाचार्य। 69 बैच के YS, पार्ट में कलेक्टर, 72 की बात बता रहा हूँ, 1972 मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर। इतने पॉपुलर आइकॉनिक कलेक्टर, जैसे आजकल अजय देखो ना सिंघम, वो सिंघम टाइप कलेक्टर थे, या किरण बेदी जैसे हमारी है ना लेडी सिंघम टाइप। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, अर्षा मैं NCC वगैरह बहुत करता था, सी सर्टिफिकेट वगैरह फिजिकल फिटनेस, कलेक्टर कैसे बनते हैं यार, बड़ा मामला जोरदार है। और वो ऑलराउंडर, उनसे क्रिकेट खिला लो, उनसे अच्छा भाषण दिलवा लो, उनसे कोई भी काम करा लो। तो मेरे पास जो बेटा था उसने कहा, कोई एग्जाम होता है यार बहुत डिफिकल्ट होता है, तो तू छोड़ यार अपने बस का नहीं, अपने तो ये मास्टर वास्तव बनेंगे, कोई BEd वगैरह करेंगे, ये करके उसने मुझे डिस्करेज किया। बट उसने हिंट जरूर दे दिया कि कोई एग्जाम होता है। अगेन पढ़ने की आदत, तो मैं नेहरू युवा केंद्र की लाइब्रेरी थी वहां गया, कुछ पुराने अखबार पढ़े थे। उस वक्त एक अखबार आता था रोजगार संदेश, शायद अभी भी आता है, उसमें राउज IAS कोचिंग ने अपना एक विज्ञापन निकाला, और क्या लिखा उसमें कि लोग कोचिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, कैन अप्लाई। उस वक्त इतनी ज्यादा कैटेगरी नहीं थी, सिर्फ दो ही कैटेगरी थी, जनरल एंड SC। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, तो कैटेगरी दो ही होती थी, SC ST एंड जनरल। क्योंकि मैं SC से हूँ, उसमें लिखा भाई SC वालों की फीस थोड़ी कम रहेगी और उनके लिए 4 सीटें अलग है, बट वो मेरिटोरियस होना चाहिए, राव साहब खुद सेलेक्ट करेंगे। यानी कोचिंग के लिए भी राव साहब पर्सनली 1-to-1 बैठेंगे, तब कोचिंग माने देंगे। ये सब बातें मुझे कैसे पता चली, मैं वहां गया तो पुराने रोजगार संदेश पड़े हुए थे, अचानक एक कोने में पुराना रोजगार संदेश उन्होंने टेबल पे बिछा रखा था, जो पुराने अखबार होते पर टेबल पे बिछा देते हैं। मैंने देखा उसमें से, मैंने इसलिए कहा वो राव की है इस वाली, तो वो जो आदत थी ना माता जी ने मेरे को सिखाई थी कि कोई भी कागज कहीं पड़ा हो देख के फेंकना भाई, तो कोने में फेंका हो, तो मैंने उसको उठाया, उठा के मैंने कहा जैन साहब, मगराजी जैन साहब वहाँ इंचार्ज थे, और कहीं लिखे उड़ा था, अरे वो थोड़ा तो पुराना है बट अभी डेट है, तू अप्लाई करनी चाहो, मतलब यू वॉन्ट टू अप्लाई, बिकॉज एज मिस्टर राव has invited applications for his coaching 1-to-1 in Delhi. So many seats for general and there are few seats for SC ST. Chuk to SC ka agar apply kar le to tere ko scholarship mil jayegi samaj kalyan wali. Acha to wo jo purana akhbar kone mein pada hua tha, luckily usme date baki thi. Agar main us kone ke akhbar ko nahi dikha tha jo table pe aise bichhaya hua tha, yani kam se kam 15-20 din purana hoga, usko main nikala pada. अगर मैंने राव में अप्लाई नहीं किया होता तो मैं IAS में नहीं होता। तो बाड़मेर के छोटे से कॉलेज में या स्कूल में पढ़ने वाला कहाँ उस वक्त IAS में कम्पीट करता, उस वक्त रीजनल लैंग्वेज अलाउड ही नहीं थी, प्रीलिम्स एग्जाम ही नहीं होता था। आई एम टॉकिंग ऑफ 78 एग्जाम विच आई टू, 1978 एग्जाम्स में प्रीलिम्स नहीं थे। प्रीलिम्स कब से आए, 79 से आए, मैंने फॉर्म भरा था प्रीलिम्स का, मगर भगवान की कृपा रही प्रीलिम्स देने की नौबत नहीं आई। मुझे पता अगर मैं देता तो फेल होता, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ प्रीलिम्स में, मेरे बेटे ने अभी दिया, इतना डिफिकल्ट पेपर था वो सेकंड वाला, मतलब मुझे मेरी इच्छा इस पेपर को फाड़ के फेंको, इतना घटिया पेपर, वो जो पैसेजेस थे रियली यू फील लाइक इतना डिफिकल्ट बनाते हैं। एनीवे कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट्स, और ये मैंने दो घटनाएं आपको इसलिए सुनाई कि कोई चीज फेंकने से पहले देख लो, शायद अपने काम आ जाए वो चीज, मतलब नॉलेज विल नेवर गो वेस्ट, टेकिंग ऑफ वेयर मनीषा जी हैज लेफ्ट। एंड सेकेंड, जब आपने ठान लिया है तो यू हैव टू बी कमांडो, कि भाई कर दूंगा छोड़ूंगा नहीं, कमांडो, डिमांडो नहीं बनना है, डिमांडो बनना है तो यू हैव टू डिमांड नॉलेज, यू हैव टू डिमांड दैट काइंड ऑफ पैशन विच वी कैन अटेंड फॉर अवर सक्सेस। आज के सेशन के लिए साथियों मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और ऑफकोर्स आई एम नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट, बट मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे खुद के बेटे ने भी अभी UPSC दिया, 2 साल पहले उसने दिया था, इंटरव्यू तक वो गया, इंटरव्यू देके आया UPSC का, सिविल सर्विस का, बट रिटर्न में थोड़े कम पड़ गए, तो सिलेक्शन में ही मिस्ड बाई 32 मार्क्स। नेवर ऑन बेटे, फिर ट्राई करो,
इज अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो मैंने कहा यू हैव ए प्रोफेशनल डिग्री, ऐसा था नहीं तो खाली बैठा है, ठीक है, तू अपनी प्रैक्टिस भी करता रहा उसको भी, बट टेक इट एज अ चैलेंज. मैंने जब आरपीएससी का एग्जाम दिया था 1977 में, आई वॉज रिजेक्टेड कॉम्प्रेहेंसिव, आई वॉज रिजेक्टेड फॉर 1977 आरटीएस आरएस एग्जाम. तो उस वक्त मैंने, वो हिंदुस्तानी फिल्मों का हीरो होता है ना, ये जैसे एक घुसा पड़ता है धर्मेंद्र के या अक्षय कुमार के, जैसे खून आता है, जब खून आता है तब उसका खून खोलता कि तुमने श्रीकांत सिकरे का ईगो हट किया, श्रीकांत का टाइप. अच्छा यू रिजेक्टेड मी फॉर आरटीएस, अब मैं आपको दिखाऊंगा मेरे में क्या आग है. तो दैट काइंड ऑफ अ चैलेंज विद इन कोट्स एंड इंसल्ट्स व्हिच कैन एक्ट एज इंस्पिरेशन. उसी इंस्पिरेशन की बात मैं आपसे आज करने आया हूं कि हाउ वी कैन ऑल अटेम्प्ट. डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी. और इसलिए मैं आपके साथ अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा हूं, माता जी का, छोटे बेटे का, मेरे खुद का. जब आपका इस तरह से लाइफ में रिजेक्शन होता है या फेलियर होता है, जो मैंने अपने खुद घर में अभी महसूस किया जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया अभी 29th को, देन यू आर शेकन. आपने इतनी मेहनत की हुई होती है, आपने बड़ा 14-15 घंटे पढ़ा होता है, एंड सडनली फाइंड किया मैं तो रह गया एक आध दिन, देन फील वेरी, दैट इज वेयर, दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ये की बात मैंने अपने छोटे बेटे को इतना दिव्यांग, इट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, मे बी इट्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड. हर प्रलय के बाद एक वापस निर्माण होगा, कुछ होगा. तो अब कुछ फैक्टर फिगर्स की अपन बात करें साथियों, यूपीएससी में लगभग 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें से बैठते कितने हैं, ऑलमोस्ट आधे. अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें रोल नंबर 11 लाख तक गए हैं, ठीक है, तो भरने को तो फॉर्म्स 11 लाख ने भर दिया, बट नॉर्मली बैठने वाले को भी इट इज नेवर बियॉन्ड 55% मैक्सिमम, ठीक है. और उसमें से फिर 11 लाख ने फॉर्म भरा, उसमें से करीब करीब 5.5 लाख बैठे, उसमें से सिर्फ 15,000 से 17,000 वो अलाउ करते हैं, यानी 15 times ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी. सेम फॉर आरटीएससी, नंबर ऑफ वैकेंसी मान लीजिए 1000 है, 1000 × 15 कैटेगरी वाइज वो कर लेते हैं, जनरल अलग ईडब्ल्यूएस अलग, जो भी कैटेगरीज हैं वाइज 15 times इन एवरी कैटेगरी. इसका मतलब आपने देखा ये जो प्रीलिम्स हैं बेसिकली इट इज एलिमिनेटर, है ना. एलिमिनेट कैसे करें ताकि जो बाद में जैसे अपन मिलोना करते हैं छाछ में तो मक्खन ऊपर आ जाता है, क्योंकि छाछ वाछ से उसको फिर मक्खन को निकाले और फिर मक्खन में से देखें कि इस मक्खन को अपने किस काम में लेना. सिमिलरली प्रीलिम्स आर द एलिमिनेटर्स, बट वैन यू गो फॉर द मेन्स विच यू आर नाउ गोइंग, मोस्ट ऑफ यू आर फॉर द आर एस मेन्स आई बिलीव एंड यूपीएससी मेन्स ऑल्सो, उसको मैं कहता हूँ एक पहले तो अपने एलिमिनेशन उसको बचे और आप आए क्वालिफाई करके, दैट्स ऑफ टू दैट यू कम, यानी आप ऑलरेडी 6 लाख में से 16,000 में आ गए. लुक एट द एलिमिनेशन, कितने लोग रहेंगे. सिमिलरली फॉर आर एस द नॉर्मल फिगर्स आर, एवरेज बता रहा हूँ, 5-6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और अगेन रेशियो बैठने का वही है 50 से 55%, करीब 3 लाख बैठे. 3 लाख में से अगेन जो आरपीएससी ने भी रिजल्ट निकाला है 15 times एवरी कैटेगरी रफली, अगर 1000 वैकेंसीज हैं तो 15-16 अगेन सेम रिजल्ट, तो मतलब एलिमिनेट है. एलिमिनेट होने के बाद जो क्वालिफाई कर गए हैं, विच आई बिलीव आप में से काफी ने किया है, हैट्स ऑफ, बधाई आपको. अब वो जो मेन राउंड है उसको मैं कहता हूँ टर्मिनेटर. पहले तो आया एलिमिनेटर और फिर आया टर्मिनेटर, क्योंकि फिर आपको इतने सारे पेपर्स पढ़ने हैं, इतने सारे 8 पेपर्स होते हैं शायद आपके यूपीएससी में. हम लोग भी जब थे, मैंने यूपीएससी दिया था 78 में, उस वक्त 8 पेपर टोटल होते थे, लोअर्स और हायर्स होते थे, सिस्टम अलग था, बिल्कुल अलग सिस्टम था उस एग्जाम का. प्रीलिम्स होते ही नहीं थे, सीधा मेन्स एंड इंटरव्यू होता. अभी प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, तो मेंस इज ऑलमोस्ट टर्मिनेटेड. तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और इतना वास्ट सिलेबस है और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम आपको शायद 4-5 महीने मिले मैक्सिमम. यूपीएससी ने कितना टाइम दिया, 10 जनवरी को एग्जाम है आपका मेंस यूपीएससी. आप में से यूपीएससी के कितने हैं क्वालिफाइड, हाँ, तो यूपीएससी मेंस है ना आपका 10 तारीख को है, 7th ऑफ जनवरी,
सात को ना, कब है? 7 जनवरी। और रिजल्ट कब आया? 29। कितना टाइम मिला? हार्डली 100 डेज। आरपीएससी थोड़ा ज्यादा टाइम देती है। इनफैक्ट मेरे साथ तो बल्कि उल्टा हुआ था। मैंने आरपीएससी जैसे प्रीलिम्स कंडक्ट किया तो मैंने 11 दिन में रिजल्ट निकाल दिया। तो मैं सरदार पटेल मैदान जो है ना अजमेर में, वहां शाम को जॉगिंग पे जाता तो कुछ कैंडिडेट्स को पता चल गया कि चेयरमैन साहब हैं, वो भी जॉग करते करते आ गए। सर कैसे हैं? उनका ठीक है। अब इमेजिन जॉगिंग करते करते बात करें, सर वो रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया। मैंने कहा हाँ अच्छा है ना? कि नहीं सर अच्छा नहीं, टाइम कम मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा अच्छा यानी उन्होंने वो भी कहा कि सर रिजल्ट जल्दी आने से फिर आप मेन जल्दी करोगे तो हमको थोड़ा टाइम कम मिलेगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा चाहिए क्या? कहा सर थोड़ा तो दो, आप तो इतना जल्दी रिजल्ट निकालोगे तो फिर हम और उनके भविष्य का निर्धारित करें, अच्छी तरह से करें पूरा। सो फर्स्ट पॉइंट वाज दैट इफ यू हैव मेड इट टू द मेंस, इट मींस यू हैव रियली वर्क वेरी हार्ड एंड you have survived the eliminator round. सबसे घटिया राउंड जो है ना, सबसे खतरनाक राउंड, वो आपने सर्वाइव कर गए और मेंस तक आ गए। अब मेंस इज टर्मिनेटर। आई बॉट दिस फ्रॉम हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टाइप टर्मिनेटर। अब उसमें अगेन 15 से 16 हजार जो कैंडिडेट्स बैठेंगे यूपीएससी आरपीएससी के मेंस में, उसमें से वो कितनों को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए? अराउंड 2,500 to 3,000। अगेन द रेशियो वुड बी 3:1। पहले रेशियो क्या था आप देख लीजिए, 6 लाख में से 1,000 लेना है। एलिमिनेटर राउंड हुआ तो सिर्फ कितने आए? 16,000। 16,000 में से भी अब एलिमिनेट कितने होंगे? कम से कम 13,000। तो बाद में जो 3,000 बचेंगे वो 3:1 का एंट्री होगा और उस 3,000 में से फिर 1,000 आएंगे। यानी छलनी से नहीं छान रहे, किससे छान रहे? कपड़े से छान रहे, जो मैदा बनाते हैं ना तो कपड़े से आटे को छानते हैं। तो इस तरह से वो बहुत फाइन, बहुत सुपर फाइन तरीके से उसकी वो छनवाई करेंगे और उसमें अपने को आना, दैट इज द बिग चैलेंज। सो दीज आर द फिगर्स। एंड ये जो रात को जब मैं स्टडी कर रहा था फॉर दिस प्रेजेंटेशन, आई होप यू गॉट दिस बुक, आपके पास है? अगर नहीं है तो मनीषा जी, मैंने इसको पूरा पढ़ा एंड आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट मनीषा जी यू एंड योर टीम, एक यहाँ की विद्वान फैकल्टी है। ये अच्छा एक डॉक्यूमेंट है और मेंस के लिए इट्स ए गुड रेफरेंस पॉइंट। इसमें उन्होंने क्या किया, खासतौर से इसका पेज 11 से 14, उसमें उन्होंने पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया, वेरी गुड। और फिर 16 से 19 पेज पे इन्होंने पेपर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करके, बड़ा होमवर्क करके, हार्डवर्क करके बताया। सो पेज 11 to 14 एंड देन 16 to 19 पेपर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आई वुड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी हमारे विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं, काइंडली रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट, इट हैज बीन प्रेजेंट लॉट ऑफ हार्डवर्क एंड लॉट ऑफ एप्लीकेशन। और उसमें पेज 23 इज अगेन वेरी गुड, इट विल डायरेक्टली आपको मेंस के लिए काम आएगा, जिसमें आपका GS4 जो GS4 पेपर है उसमें हिंदी और इंग्लिश के बारे में काफी तरह से इन्होंने बताई थी, सारी बातें बताई है। सो दिस इज वेरी गुड डॉक्यूमेंट, प्लीज रेफर टू दिस। इन एडिशन टू दिस, हम लोग जो तैयारी करते हैं, मैंने भी जो तैयारी की तुमने ऐसे किया था, पिछले 10 सालों के पेपर अपने को देख लीजिए, उससे आपको पता चलता है ट्रेंड्स क्या है, एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, टोन क्या है, वो क्या जानना चाहते हैं। अब जैसे पैसेजेस से इस बार जो यूपीएससी का प्रीलिम्स के जो पैसेज वाला पेपर मैंने अच्छी तरह पढ़ा तो 5-6 जगह तो मैं खुद ही फेल हो गया। इतना डिफिकल्ट पैसेजेस बनाते हैं, बड़ा दिमाग उठा दे, हमसे भी 100 गुना ज्यादा वो अपना जीनियस लोग होते हैं। मुझे सोचते हैं ये पैसेज पढ़ लिया उसका आंसर ये होना चाहिए, नहीं हो सकता, सो कंफ्यूजन एंड दैट इज द रियल चैलेंज। फिर आपको मेन क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, जानना क्या चाह रहे हैं इस पैसेज में या इस पैराग्राफ में। इसमें इसके जो
मेन पॉइंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स जो बुकलेट अवेलेबल है मैंने इसमें बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं जस्ट टू शेयर विद यू। मीन्स की आप तैयारी करेंगे, आपके पास सिलेबस, आपके पास पॉइंट्स, आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी। अगर अपन सोचने अपन सारा पढ़ लेंगे, पूरा कर लेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे, नो, आई विल नेवर एडवाइज कि आप पूरा, इतनी बड़ी किताब है तो उसका एक एक पेज चाट लें, मदिंग कर लें, वो जमाने गए। इट्स नॉट हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ अपने को इसमें स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीति बना के पढ़ना, सिर्फ स्लॉगिंग से मजा नहीं आएगा। आप क्या बनेंगे, आईएएस और आरएएस आरपीएस बनेंगे, तो आईएएस आईएएस आरपीएस बनने के बाद आपका काम क्या होगा, यही काम, इतनी मोटी मोटी फाइलें आएंगी, कुछ तो इतनी पुरानी फाइल होंगी आपके वजन से भी ज्यादा होंगी, इतनी मोटी फाइलें साहब कितना आप, और उसमें से आपको निकाल के आपको अपने चीफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करना, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनके साथ डिस्कशन होने वाला, पॉइंट्स बना के देने हैं प्रधानमंत्री जी को, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं एंड यू आर द फाइनेंस सेक्रेटरी, तो जो जो भूमिका आपको इन एग्जाम के सिलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट को मिलने वाली है उसमें ये भूमिका होगी। और इसीलिए ये इतना कठिन बनाते हैं, इतना बड़ा सिलेबस दे दिया उसमें से कैन यू पिकअप कौन से पॉइंट हैं जो रेलिवेंट हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे, वो तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी मैं पढ़ू ना पढ़ू। तो 70s 60s में जब हम लोगों ने एग्जाम दिया तो यूनिवर्सिटीज में, आप भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं देखते होंगे, कई हमारे ऐसे जो स्मार्ट बंदे होते हैं यार, घूमते फिरते हैं मोटरसाइकिल पे, हार्ले डेविडसन पे घूमते हैं, लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होता है तो क्लास का जो टॉपर होता है, अरे राहुल यार 4-5 क्वेश्चन बता देना मैं लिख लूंगा अपना डिग्री मिल जाएगी यार, यानी 5-6 क्वेश्चन करके आप डिग्री ले सकते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ तो ये है, यानी एमए के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं अगर वो पूरा नहीं पढ़ पाते तो क्लास के किसी अच्छे बच्चे की अपने नोट्स ले लेते हैं, क्या तो ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लेना, 5-6 तो आ ही जाएगी, तो निकल जाएगा, तो डिग्री तो मिली जाएगी, दैट टाइप्स। तो साथियों ये डिग्री का एग्जाम नहीं, ये है एलिमिनेटर टर्मिनेटर, यानी इसमें सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा या सिर्फ 8-10 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, इसमें तो आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर, क्या चाहते हैं आपसे। तो ये बुलेट जो इसमें बताए जो मुझे अच्छी लगी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऑफकोर्स क्वेश्चन आंसर में भी आएगा। टाइम अपने पास कितना है मनीषा जी, अभी है और यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चन सो दैट लास्ट पे अपन क्वेश्चन राउंड कर देंगे। तो मैं 8 पॉइंट्स बना के लाया था, नाउ आई एम एट पॉइंट नंबर 7, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे उसको, शॉर्ट रखेंगे, सो दैट इट बिकम्स मोर ऑफ इंटरएक्टिव रादर देन मोनोलॉग, इट शुड बी डायलॉग। मेंस चाहे वो यूपीएससी का हो या आरपीएससी का हो, फर्क सिर्फ एक ही है कि यूपीएससी में एक ऑप्शन होता है मेंस, आरपीएससी में नहीं होता, और मुझे इस बात का फक्र है कि एज चेयरमैन हमने उसको स्क्रैप किया, ये मैंने उस वक्त इंसिस्ट किया कि ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट्स उसको क्लब कर दीजिए, उसकी क्लबिंग की है ना, ह्यूमैनिटीज के हैं या साइंस के ज्योग्राफी का हम उसको टॉप ब्रेन्स हैं उन्होंने लगाया सब, कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ उसकी जेलिंग जेलिंग कहाँ को और क्लबिंग होके, और आपके पास जीएस 1, 2, 3 एंड लास्ट में हिंदी और इंग्लिश, दैट्स ऑल। कोशिश ये रहती है साथियों कि किसी भी डिग्री को अनड्यू एडवांटेज नहीं मिले, जैसे कई बार हमने महसूस किया है और जो फैक्ट्री है चाहे यूपीएससी और आरपीएससी, आप ट्रेंड्स देखिए, बीटेक के बच्चे छा जाते हैं, है ना, बीटेक वाले थोड़ा उनका एडवांटेज रहता है, एमबीए वालों को एडवांटेज रहता है, इस एडवांटेज किसका रहता है, जो नॉर्मल पास कोर्स से आते हैं या मास्टर्स कर, यानी अगर आपके पास दो कैंडिडेट है, एक बीए ऑनर्स एक बीटेक है, तो हमारा कंपटीशन सिस्टम जितना भी है वो कुछ इस तरह से डिजाइन है तो बीटेक वाला थोड़ा भारी पड़े, यू एग्री विद दिस। अब हम लोगों का प्रयास क्या रहना चाहिए, कोई किसी पे भारी नहीं पड़े, इट शुड बी वॉट वी कॉल इंग्लिश अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसा फील्ड हो जिसमें जो प्रतिभा है वो जरूरी की प्रतिभा सिर्फ बीटेक वाले में हो, जरूरी की एमकॉम वाले में ही हो, वो कहीं भी हो सकती है, तो उस टैलेंट को स्प्राउट होने का यानी उसको मुखरित होने का अंकुरित होने का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सब बीटेक वाला तो 2 फीट हाइट पे बैठ के तलवारबाजी कर रहा है बेचारा, बीए वाला सिंपल है वो नीचे कर रहा है, तो नेचुरली जो हाइट पे उसका एडवांटेज है,
So that is there. मेंस की तैयारी के लिए जो पांच पॉइंट जो उन्होंने बताए हैं जो मैं इनको मैं एंडोर्स कर रहा हूं और वो यही है ऑफकोर्स नॉलेज ऑफ टॉपिक्स तो होनी चाहिए नॉलेज आपकी तो इसलिए आरपीसी ने बहुत विद्वान प्रोफेसर से राय लेके ऑप्शनल को बदल दिया और करीब 38 जो सब्जेक्ट्स होते हैं नॉर्मली आर्ट साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ इस तरह की जो फैकल्टीज हैं उसको क्लबिंग कर दिया है क्लबिंग की आपके पास सारा पैटर्न सिस्टम्स है और एक इनोवेशन क्या किया गया है तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं जैसे एक सैंपलिंग देखें अपन 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स 15 वर्ड्स यानी वर्ड्स तक बता दिए कितने शब्द लिखते हैं फिर आपके मन में आएगा ऐसा क्यों किया गया वो भी आपसे शेयर करूंगा 5 questions or 5 marks, again 50 words. 4 questions, 10 marks, 100 words. But not only that, साथियों उसने यहाँ तक बताया गया है कि आपके पास जो आपको आंसर शीट दी गई है उसमें उस क्वेश्चन के लिए स्पेस भी लिमिटेड कर दिया गया 5 questions, 2 marks, 15 words, 5 lines. एवरेज यानी आंसर शीट में आपको 5 लाइन नहीं मिलेंगी 5 questions of 5 marks each, 50 words, 9 lines, 9 to 6, 6 to 9 lines होती है। उसमें हमने बड़ा साइंटिफिक इसको अटेंड किया। फिर लास्ट में जो आता है, यूनिट 3 वाला, 4 questions, 10 marks, 100 words, 16 to 18 lines। इसको साइंटिफिकली दिखा गया कि अब जब आप लिखते हैं ना, तो हर एक की साइज ऑफ लेटर्स अलग अलग होता है। कोई बड़ा बड़ा लिखता है, कोई बहुत छोटा लिखता है। कोई ऐसा लिखता है जैसे हमारे गांव के गुरु जी कहते थे भाई ललित एडो चोखो लिख मारवाड़ी में कहते थे कि जाने मोती पोया मोती समझते हो जैसे एक नेकलेस में पर्ल्स हो योर हैंडराइटिंग शुड बी सो गुड दैट व्हेन यू राइट यू थिंक यार इसने लिखा है या मोती पिरोए ललित मार साहब की बहुत मार खाई मैं आज भी जो मैं लिखता हूँ तो मोती तो नहीं कह सकते हैं भाई मोती संस पिरो है थोड़े बहुत छोटे बहुत पिरा है मतलब इट शुड बी वेरी गुड तो ये इनोवेशन क्यों किया गया तो मैं आईएएस मैनेजमेंट साइंटिस्ट था आई वाज एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट एट आईसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ झांसी भारत सरकार में था मैंने मास्टर्स किया एमएससी की जोधपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की ये क्यों किया गया शेक्सपियर ने क्या कहा था आज से 500 साल पहले ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट सो द पॉइंट आप जब आईएएस आईपीएस बनोगे आरएएस आरपीएस बनोगे तो आपको चीफ मिनिस्टर या गवर्नर या जो भी टॉप प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे यस मदन लाल जी आई हाँ भाई जल्दी जल्दी डेढ़ मिनट में बता दीजिए क्या कहना है राष्ट्रपति आने वाले हैं हम अमेरिका के राष्ट्रपति टाइम थोड़ा कम उस वक्त आपको और सर ये आप पूरी फाइल पढ़ लेना भाई साहब कहां से आए हो वापस निकल लो ऐसे थोड़ी कहेंगे अपन उसको क्या कहेंगे सर जस्ट गो थ्रू दिस 6 पॉइंट दैट्स ऑल दिस 6 पॉइंट्स कंटेन्स द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर कन्वर्सेशंस एंड डेलिबरेशंस और ये सब के थाने गलो साहब का सेक्रेटरी रहा हूं हमारे प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो अटल गलो साहब मैं उनका सेक्रेटरी रहा अब उनकी यादाश्त बहुत तगड़ी है अब वो जैसे किसी मीटिंग में जाते हैं हम लोग हेलीकॉप्टर साथ जाते हैं साहब ये अपन जा रहे हैं अभी वहां जोधपुर में बिलाड़ा जा रहे हैं लास्ट गए थे 2 साल पहले तो पहले तो पॉइंट निकालो क्या क्या पॉइंट उठे थे आई वुड लाइक टू एड्रेस दोज 2 पॉइंट्स जो बिलाड़ा में 2 साल पहले उठे अब अपने को क्या कहना है और ऐसे ही कहना है जो आने वाले 2 साल बाद आए तो फिर ऐसा नहीं वेरी शार्प और हमारे गलो साहब जो ऑनरेबल सीएम साहब उनके पास 3 डिग्री है बीएससी एमए इकोनॉमिक्स एंड लॉ ग्रेजुएट तीनों फैकल्टी कवर है बताओ आप कहाँ जाओगे तो हम लोग हेलीकॉप्टर में ही सर ये पुरानी बात ये थी ये और बस पिक अप फास्ट सो बाय द टाइम ही इज एट द माइक एड्रेसिंग द पब्लिक ही हैज ऑल द पॉइंट्स
सिमिलरली ये पॉइंट मैंने आपसे इसलिए शेयर किया, एक ये बात जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी साहब के साथ काम किया भारत सरकार में, ये सेक्रेटरी टूरिज्म था, सेक्रेटरी माइनॉरिटी अफेयर्स था, उनका भी ये था 15 मिनट आपके पूरे मंत्रालय ने क्या काम किया है इस प्रेजेंटेशन में बात करा था मनीषा जी, एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 36 ईयर्स इन IAS, और हमें मैसेज आता था प्रधानमंत्री जी आपके मंत्रालय का रिव्यू करेंगे, 15 मिनट PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, 15 स्लाइड्स, दैट्स ऑल, 1-to-1 मिनिस्टर बैठे रहेंगे, सेक्रेटरी अपनी बात रखेंगे, पीपीटी आएगा, पीपीटी आप क्या बनाना पहले भिजवाइए, उसको हम पहले देखेंगे, लखन भी है कि इमेज बना दिया और भेज दिया, लखन होना चाहिए, लखन समझते यानी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तो हम लोगों को पसीना आ जाता था IAS में 35 साल काम करने के बाद भी जब प्रेजेंटेशन ऑनलाइन पर चीफ मिनिस्टर साहब के लिए बन रहा हो, ऑनलाइन प्राइम मिनिस्टर के लिए बन रहा हो या गवर्नर साहब के लिए बन रहा प्रेजेंटेशन के लिए, तो ये स्किल्स बहुत आम है कि भाई 5 लाइन है, 15 शब्द लिखने हैं और ये प्रश्न है, तो सिमिलरली 50 वर्ड लिखने हैं तो 9 लाइन्स हैं, 6-9 लाइन्स हैं, 100 वर्ड लिखने हैं 16-18 लाइन्स हैं, इसका मतलब स्पेस फिक्स कर दिया उसी में आप लिखिए, और उसमें हमने इस बात पर ध्यान रखा एवरेज साइज ऑफ लेटर्स क्या होती है, लार्जेस्ट साइज क्या है और कम से कम साइज क्या, तो एवरेज उस एवरेज को देख के वो स्पेस प्रोवाइड किया गया, वेरी साइंटिफिकली डन। हमारे एक मुख्य सचिव होते थे स्वर्गीय श्री आनंद मोहन लाल साहब, हम लोग IAS में आए तो हमारे सुप्रीम बॉस थे, चीफ सेक्रेटरी, हाईएस्ट ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट, वो इतना मोटा लिखते थे, उनकी अच्छी पर्सनालिटी थी, हम लोग जाते हुए सामने डरते थे, यहाँ तक डरते थे जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलाया तो हम लोग सब हनुमान चालीसा पढ़ के होमवर्क करके पूरा करके, कई लोग तैयार करके कहाँ जा रहे हो, तो टाइगर सेंचुरी जा रहा हूँ, टाइगर, हाँ टाइगर ने बुलाया, मतलब उनका इतना रॉक था जबरदस्त, वेरी कॉम्प्लेक्स, वो हमारे फाइलों की जो सरकारी फाइलें होती थी बेटे, उसमें क्या है एक तो फाइल उसके ऊपर एक नोटशीट होती है, यानी आपने अपनी जो राय लिखी वो नोटशीट पर लिखनी होती है, मान लीजिए नोटशीट है तो दोस्तों उस उनका इतना बड़ा लेटर है वो होता था, उस शेर की तरह लिखते थे, वो मुश्किल से उसको 2 लाइन ही आ पाती थी, अगर वेरी जो जंगल के राजा है मतलब वो 3-4 सेंटेंस अगर आनंद मोहन लाल साहब ने टॉप आईज ऑफ एवर तो वो 5-6 लग जाए, रोज अगर RS का दिन तो उसके लिए मैं फुल कॉपी भेजता हूँ, सर आपको कॉपी रखी आपका बट द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक एंड शेयर विद यू फ्रेंड्स इज दैट द स्पेस प्रोवाइडेड इज सफिशियंट टू एड्रेस दैट क्वेश्चन, और उसमें डायरेक्शंस में क्लियर लिखा गया इफ यू राइट आउटसाइड द स्पेस इट विल नॉट बी इवेल्यूएटेड, इतना बड़ा पैसेज दे दिया, अब इसकी 4 लाइन में इसका वती क्या है, इसका जिस्ट क्या, अभी भी UPSC जो मीन आपने प्रीलिम्स जो दिया, प्रीलिम्स जो पैसेज आए थे उसमें क्या पूछे थे, व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज, वॉट इज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, तो कहीं तो क्रिटिकल पैसेज पूछ रहा है, कहीं इंटेंशन पूछ रहा है, तो सुनो यार भाई तू बता दे यार क्या पूछना है, दिमाग खराब कर दिया, इतना जबरदस्त मेहनत करके बना, एंड यू नो दिस टॉप प्रोफेसर आर एंड स्ट्रिक्ट बाई UPSC and RPSC, यानी टू गेट अ कॉल फ्रॉम UPSC and RPSC टू बी एग्जामिनर इज अ ग्रेट ऑनर, एकेडमिशियंस दे लुक फॉरवर्ड, और इसीलिए वो बताते नहीं है, कोई प्रोफेसर आपको ये नहीं कहेगा मैं UPSC जा रहा हूँ, नहीं बोल, so they are supposed to keep it very very confidential, but let me assure you one thing that most of them are very senior academicians, they know their subjects like Amartya Sen knows economics and they do their best, and that's why UPSC aapne note kiya hoga ki 10 lakh mein se agar 1000 select karne hain to selection mechanism ko kitna unko fine tune karna padta hoga,
कितने क्वेश्चंस ऐसे बनाने पड़ते होंगे, और उसमें हमेशा आप देखिएगा देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी इजी, इट्स लाइक केक वॉक, बट देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट, दैट विल बी लाइक कैट वॉक, पूरा उसमें आपको फैशन की तरह जाना पड़ेगा। तो केक वॉक भी होती है, कैट वॉक भी होती है, और दूसरा तो बिल्कुल ही मैराथन वॉक होती है, उसमें आप दिमाग लगाते हो, समझ नहीं करें कि यार चारों सही लग रहे हैं भाई कहाँ जाए, होते हैं। मैंने जब वैसे देखा 5-6 में आई कुड नॉट सॉल्व इट पूरा, दैट इज वेयर द एप्लीकेशन एंड किस तरह से आप उस छाछ में से मक्खन निकाल लेते हो दैट विल डिपेंड। तो ये जो 5 पॉइंट्स जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, नॉलेज ऑफ टॉपिक, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, मैंने जब आईएएस का एग्जाम दिया तो मैं साइंस का स्टूडेंट था मगर पेपर तो 5 होते थे, मैंने कहा क्या सब्जेक्ट लें, कहा हिस्ट्री ले लेते हैं, तो मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, इंटरनेशनल लॉ लिया उस वक्त। अब हिस्ट्री में क्या बीमारी थी, उस वक्त लिमिटेशन नहीं था, और हमारे को एक मिथ ये था कि जो जितने ज्यादा कागज भरेगा ना उसके ज्यादा उतने मार्क्स आते हैं, सब कॉपी लाइए, सब कॉपी, खतरनाक बंदा यार, 3 कॉपी मांग ली, सप्लीमेंट्री कॉपीज मांगते हैं, और अभी दोस्त का जो देखा और मैं अभी दूसरी कॉपी भी लिख रहा हूँ, अच्छा करो सर कॉपी, वो तो 4-5 कॉपी साथ में लगा, खतरनाक बंदा है। एक दिन मैंने पूछ लिया बाहर आया, मैं कहा भाई तुम बड़ा तेज दिखता है यार, अरे यार तुम्हारा ये बस का नहीं है, तुम साइंस वाले हो ना, मैं तो साइंस का था, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, तो मैंने कहा तू इतिहास पढ़ के आया था या इतिहास लिख रहा था वहाँ पूरा, वो ऐसे से वो लिखते रहते पूरा। अब छोटी सी बात देखिए, व्हाट वाज द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, सिंपल क्वेश्चन है ना, व्हाट वाज द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, अब उसमें भाई लिखे राजपूत 6 तरह के होते हैं, कछवा होते हैं, शेखावत होते हैं, राठौर होते हैं, और अकबर 5 तरह के होते हैं, अकबर आबादी होता है, फिर अकबर ने जब चढ़ाई की तो हल्दीघाटी महाराणा प्रताप आए, उनके पास 5 घोड़े, 6 भैंसे, 3 बैल, अरे भाई वो इस तरह से वो लिखते रहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैंने एक क्वेश्चन का जवाब 11 पेज में दिया है तो वो लोग सोचेगा प्रोफेसर ये पढ़ के आया तभी लिखा, अरे भाई अगर उसने पढ़ लिया ना तो तुमने क्या लिखा है, तो वो तेरी भैंस क्यों खोल के ले जाएगा, जो लिखा ना माना पड़ता हल्दीघाटी गए तो भैंसे साथ लेके गए थे क्या, आप वहां खड़े थे क्या, बट दिस इज अ मिसनोमर, आप गलत फहमी में बिल्कुल ना रहे कि आपने बल्क लिख दिया तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, इट हैज टू बी क्वालिटी, एंड दैट्स व्हाई फ्रेंड्स लाइन तक हमने खींच दी कि भैया इससे बाहर नहीं कैन यू मेक, और इसीलिए वो टीजर्स होते हैं कि था 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, फिर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, फिर 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, और उनके वर्ड्स तक लिंक थे, ठीक है हमने कहा 50 वर्ड्स है बट एग्जैक्टली 50 वर्ड्स, इट कैन बी 48, इट कैन बी 52, जब हम गिनेगा नहीं यार उसको 50 ही, ऐसा उसको होता, इट्स दिस इज अ रेंज, ओके, बट माई रिक्वेस्ट वुड बी be as concise and as brief as possible. हम लोग तो साइंस स्टूडेंट हैं, तो हमारी आदत थी, आज भी वो आदत है कि किसी भी लेक्चर में जाएंगे, अभी भी आपने आके देखा जो मनीषा जी बोल रही थी, मैंने अपने आप साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी आदत होती है नोट्स बनाने, आपकी इस आदत को पकड़ लें, साइंस वालों की टाइम से वो आदत होगी, अगर आर्ट्स वालों की नहीं है तो साथियों पकड़ लो, जैसे ही कहीं बैठे पेन पेपर, आजकल के बच्चे थोड़ा पेन पेपर कम लेते हैं, कोई बात नहीं, आपका मोबाइल है उसमें आप चले जाओगे उसे यूज करिए, ठीक है आप लोग का उल्टा छाप हो गए तो हर चीज में वही चलता है, आपको पढ़ने पूरा अच्छे खासे, मेरे पास भी आईफोन हम यूज करते हैं, इट्स वेरी इजी करेंट, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ पेन एंड पेपर, नो अमाउंट ऑफ वर्चुअल लर्निंग कैन रिप्लेस दिस ऑफलाइन वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल कैन नेवर रिप्लेस वर्चुअस, तो एक हद तक तो ठीक है जूम 20% ठीक है 30% ठीक है, जूम के बाद यू नीड दैट काइंड ऑफ बूम, वो बूम जो है वो ऑफलाइन 1-to-1, अब टॉप स्कूल के हो ऑनलाइन क्लासेस किसी बच्चे से पूछ लोगे मजा नहीं आया अंकल मजा नहीं आ रहा मैं जाता हूँ मेरे दोस्तों के पास छोटे बच्चे बोर हो गए 1.5 साल हो गए बोला या 10 बार का सुना और 1 बार का देखा
विद्वान जो लोग थे वो कहते थे कि 10 बार का सुना एक बार का देखा बराबर है। तो जैसे मनीष जी ने बोलना शुरू किया मैंने बहुत बिकॉज देन आई कैन रिकनेक्ट कामना वर्सेस काम परीक्षा महोत्सव मेन प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आंसर एग्जाम मैकेनिज्म तो जब आपने अगर नोट्स की आदत डाल दी मैं आपको गारंटी से कहता हूँ nobody can teach the moment you start taking notes शेखावत साहब मुख्यमंत्री से वो एक मीटिंग ले रहे थे कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त मैं राजस्थान सरकार में डायरेक्टर टूरिज्म था और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन का थे विषय में तो पधारो हमारे देश दैट वाज अ स्लोगन व्हिच आई कॉल्ड एज अ सन ऑफ मारवाड़ सन ऑफ राजस्थान पधारो हमारे देश। वो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस क्या नॉर्मली जब आईएएस आईपीएस वाले कलेक्टर बनते हैं एसपी बनते हैं या आरएस में जाने पर एसडी बनते हैं डीएसपी बनते हैं तो फिर क्या होता थोड़ा ईगो आ जाता है अहंकार आ जाता अच्छा जो बात है उनको भी आता सबको आता डिग्री का फर्क होता है किसी को अहंकार आता है किसी को निरंकार आता है किसी को झंकार आता है अलग 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 आता है झंकार वाला तो वो टेढ़ा ही पड़े हो सकता है बहुत बुरी बात होती है पूरा बट उससे होता क्या है कि वो विद्यार्थी नहीं रहता यू हैव टू बी स्टूडेंट ऑल योर लाइफ आई एम 65 इवन टुडे आई एम चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी रात को 12:30 बजे तक मैं पढ़ लूँ जब तक सोता हूँ 8 पेपर्स में रोजाना आज भी पढ़ता हूँ मेरा तो ऐसा नहीं बिकॉज व्हेन यू स्पीक इट्स लाइक आइसबर्ग एक ग्लास लीजिए पानी डालिए उसमें और आइस क्यूब छोड़िए 8/9 नीचे रहेगा 1/9 ऊपर रहेगा 8/9 अंदर है नीचे तब 1/8 बाहर आएगा। सिमिलरली नोट्स पांच बनाने की अगर आदत तो रख लें पर हमको आईएएस ऑफिसर स्कोर आरएस में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी व्हेनेवर यू गो एंड मीट सीनियर सपोज आई गो टू मैडम मनीषा जी एंड सुनील जी आई एम नॉट सपोज टू गो लाइक दिस और कल कहते हो you are supposed to carry a pen which I always carry or a छोटी सी वाली स्टिक पेन है ये बहुत बड़ी है तो इसे स्वागत है ये जिंदगी में आदत बना लो तो अन्य तरह कभी ऐसे तो हुआ गाड़ी का नंबर लिख लो तो बस इससे ही करेगा सही तरीके से ऐसे लिखते हैं सो दीज आर द पॉइंट्स फ्रेंड्स जो लास्ट पॉइंट था उसमें आर्टिकुलेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स जो मैं आपको बता रहा था प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी बड़ी फाइल है ऑनरेबल सीएम ऑनरेबल पीएम ऑनरेबल गवर्नर आपसे जानना चाहते हैं यस मिस्टर आईएएस मिस्टर आरएएस यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन द पॉइंट्स तो शिखा साहब की जो मैं बात बता रहा था कलेक्टर की कौन सी थी मैं कॉलम बैठा बैठा लिख रहा था मेरे और हमेशा बुलेट पे लिखते हैं 1 2 3 तो 3-4 पेज के पॉइंट्स हो गए शिखा साहब नोट कर रहे थे सारे कलेक्टर्स सुन रहे हैं एक आध बीच में इनको लिखी तो ये बंदा कौन है जो लगातार पॉइंट्स लिख रहा है 63 पॉइंट्स हो गए थे वो इतना अच्छा बोले उस दिन वो वॉज एक्सलेंट ऑरेटर अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए टॉप लीडर मुझे बुलाया मारवाड़ी में वो अक्सर शेखावाटी में बोलते थे कौन सा पॉइंट घना लिखा कहीं तो हाँ काफी लिखा 3-4 पेज भर गया हमारा तो दिखाओ तो दिखाओ उन्होंने तो जो पॉइंट्स उन्होंने कहे थे पूरा but not every point mind you friends not every point relevant and important points manisha ji ne
पांच बातें कही मगर मैंने उसमें से कौन सी छांटी जो उस अपील के लायक थी, कामना वर्सेस कम, परीक्षा महोत्सव, ठीक है, इट हैज इट डजंट हैव टू बी वर्बेटिम, इट हैज टू बी पॉइंट ओरिएंटेड. तो शिखा साहब वाज सो हैप्पी आफ्टर सी सॉ द नोट्स, छह सात नोट्स देने के बाद. और अभी आप किस पोस्ट पे हैं? मैंने कहा डायरेक्टर टूरिज्म हूं मैं. नेक्स्ट ऑर्डर निकाला डायरेक्टर टूरिज्म विल ऑल्सो बी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन. ऐसा बंदा मेरे पब्लिक रिलेशन में होना चाहिए, तो मुझे सारे पॉइंट बना के मदद की पूरा सर. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, ही ट्रस्टेड मी. एंड आदत कौन सी काम आई? वही दमयंती बाई वाली, पढ़ के फेंक, दूसरा ये लिख के रख, तीसरा ये कि देन यू आर इन लिस्टिंग मोड, इट हैज टू बी 200% अटेंटिव. एंड आई विल क्लोज विद वन रिमार्क, भगवान ने जब अपने को बनाया ना इंसान को, अब देखिए कितना अच्छी तरह डिजाइन किया, ये बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया. मुंह कितने दिए और कान क्यों, मतलब जितना आप बोले उससे दुगना सुने. और सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणपति की. तो गणपति के कान कितने हैं? कान क्या पूरी दुकान है, जितने बड़े कान हो मतलब बहुत ज्यादा सुनो गणपति, उनको ही सिखाते हैं. So you must listen at least twice the amount that you like to speak. And that's why I would like to conclude so that you listen to the experts. I am not an expert. I am only a practitioner. I am only a Nachiketa. I am only what you call YSL. Yearning for learning. YSL hona chahiye. Yearning for learning zindagi bhar hona chahiye. Kuch bhi ho. Ab jaise mujhe, maine apne bete se seekha. Kyunki hum log to purane log hai na. To hum log apne aap purse rakhte hain. 100, 200, 400, 500 जो भी कैश थोड़ा बहुत रखते हैं, जमाना तो पेटीएम का. अब एक बार मैं दुकान पे गया तो उसने कहा नहीं सब कैश नहीं, आप तो पेटीएम करो. मैंने कहा भाई आता ही नहीं मेरे को. तो मैं उसी दिन शाम को मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा दिव्यांग बेटे जरा मुझे सीखा भाई पेटीएम कैसे करते हैं. तो ये लोग पापा, उसको भी थोड़ा अच्छा लगा कि यार देखो बाप हुआ अपने घर में, मैं भी तो बेटा हूँ तेरा, ऐसी क्या बात है. मैंने यस गुरु जी, हाँ मैंने उसको 11 रुपये का प्राइस दिया, सिर्फ 11 का, भाई तू शाबाश. उसने बताया पापा ऐसे ऐसे वैलेट में वॉलेट में जाओ अपनी बैग सिस्टम, अब मैं एक्सपोर्ट हो गया हूँ, अब तो मैं कहीं भी जाता हूँ हाँ कितना करना है. यानी यू हैव टू अपग्रेड योर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड. व्हेन एवरीबॉडी इज रनिंग एंड इफ यू आर स्टैंडिंग यू आर लेफ्ट बिहाइंड, कीप पेस. अब मैं सारी ईमेल मेरे आईफोन पे ईमेल कर देता हूँ, पेटीएम कर लेता हूँ, धीरे धीरे नेट सर्फिंग वगैरह सब. यू हैव टू लर्न दीस टेक्निक्स. Updated knowledge. The last point जो मैंने इसमें लिखा मेरे presentation का, you must have knowledge but at the same time updated. जब आप mains लिखोगे साथियों, UPSC में लिखो या RPSC में लिखो, तो ऐसा subject आया जो contemporary है, जैसे किसान आंदोलन. और किसान आंदोलन के basic issues आप और हम सब जानते हैं, MSP है, जो भी issues. But when you write the exam, उसमें आप 50 शब्द लिखने हैं, तो उसमें last के जो दो तीन लाइन है उसमें अगर आप उसको अपडेट कर दें कि सब किसान आंदोलन में लेटेस्ट अब ये है, तो वो एग्जामिनर सोचेगा हाँ बंदा स्टूडियस है, उसने सिर्फ पुरानी बातें नहीं लिखी एमएसपी और ये सब, इसने इस पॉइंट को ये भी लिखने की कोशिश की. सो योर आंसर शुड बी अपडेटेड, प्रोवाइडेड कि आप पूछने वो एग्जामिनर जानना क्या चाहता है. अगर एग्जामिनर नहीं जानना चाहता तो ठीक है हाँ, और उसमें अपनी ओपिनियन कभी नहीं देनी, ये ध्यान रखना. इसमें कई बार अपन नुकसान उठा जाते हैं. मान लीजिए मेरी एक पर्टिकुलर थिंकिंग, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरी थिंकिंग है मान लीजिए राइट है या लेफ्ट है या सेंटर वॉटर, तो कई बार ये मिसमैच हो जाता है, कोई रिस्क रहती है. तो आप हमेशा मॉडरेट रहें. तो मान लीजिए अगर मैं प्रोफेसर JNU का हूँ और मान लीजिए मेरी लीनिंग्स लेफ्ट है और आपने थोड़ी राइटिंग राइट वाली लिख दी, तो हो सकता है आप इतना अच्छा इसको नहीं कर पाए. तो मान लीजिए मैं कहीं और किसी रूप से फंस, मेरी लीनिंग्स थोड़ी राइट राइटिस्ट है, तो फिर आप जब लिखें तो हमेशा मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल पाथ. ये बात आपको मेंस में बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि अपनी तरफ से जजमेंट कभी नहीं दें. जब क्वेश्चन पूछा गया उसका इंटेंट देखें और उसी को अपन उसमें लिखें एंड टू द पॉइंट. नहीं आता ना लिखें, बल्कि RPSC तो यहाँ तक कहती है कि अगर आपने वर्ड लिमिट्स को एक्सीड किया so there will be a deduction of marks. So risk apne ko nahi dene. It's better to leave it.
tend to attempt wrong. So I think I've taken enough time. Question answer के लिए I'll be available. I wish you all the best, and I'm sure वो जो commander वाला जो position है ना, उसको ठोक देना है, कर देना है, और पंजाबी नाल कहते हैं छड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है बस, ठीक है? और हमारे honorable PM साहब क्या कहते हैं? छेड़ना नहीं, और छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं. अब छेड़ दिया आपने ये टॉपिक, यस मुझे आरपीएससी यूपीएससी क्रैक करनी है. अब जब छेड़ दिया है तो फिर अब छोड़ूंगा. ऑल द बेस्ट, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. लाइफ लेसन्स और एनेक्डोट्स के लिए इसे हम सभी याद रखेंगे. एंड हेलो एंड वेलकम यू ऑल. अब थोड़ा सा हम आ रहे हैं एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से ये पेपर कितने स्टेजेस में होता है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, ठीक है? सबसे पहले जैसे यूपीएससी में जनरल स्टडी 4 पेपर्स में डिवाइडेड है, उसी तरीके से आरएएस का पेपर भी 4 पेपर्स में डिवाइडेड रहता है. जनरल स्टडी 1, 2, 3 एंड जो 4th पेपर है उसमें हिंदी और इंग्लिश, जिसका ओवरऑल टोटल है 800. After that, 100 marks का रहेगा इंटरव्यू, और ओवरऑल आपका जो वेटेज रैंक बनेगा वो 900 marks में से बनेगा. अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट हैं वो भी, क्योंकि आपका भी बहुत सारा वेटेज आप जो पढ़ाई करते हो वो हमें इस पेपर में दिखाई देता है. जैसे पेपर 1 के अंदर 3 यूनिट, यूनिट 1, 2 एंड 3, सारी यूनिट्स का वेटेज है वो लगभग इक्विवेलेंट है, 65 मार्क्स हर यूनिट से आपको मिलेंगे. यूनिट 1 कवर करता है राजस्थान एंड इंडिया का हिस्ट्री, 50-50% दोनों को जाएगा. यूनिट 2 इकोनॉमी, स्पेसिफिकली इकोनॉमी के लिए नेचर ऑफ एग्जामिनेशन कुछ ऐसा चेंज हुआ है, करंट अफेयर और जो यूपीएससी वाला अप्रोच है वो हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है बजाय फैक्चुअल थिंग्स को लिखने के लिए. अगर लास्ट ईयर के पेपर की मैं बातें करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम पूछी गई, भारतमाला परियोजना के बारे में डिस्कशन किया गया, किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए उसके बारे में जो बातें की गई हैं, ऑल अबाउट दी योर करंट अफेयर स्किल्स, किस तरीके से आप न्यूज़पेपर की स्किल्स को ऐड करते हो अपने स्टैटिक पार्ट के साथ, इसी वजह से इस पेपर में मार्क्स भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है. और उसका कारण है करंट अफेयर को नेग्लेक्ट करना. तो करंट अफेयर हमें यूनिट 2 में बड़ी मदद करता है. उसके अलावा यूनिट 3 जिसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग. अब इसमें भी बोर्ड ने इस तरीके से डिजाइन किया है पेपर को, जैसे अगर पेपर 1 की बातें की जाए, पेपर 3 पार्ट्स में बटेगा. कुछ क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 15 वर्ड्स में करने हैं, कुछ होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे जिसको 50 वर्ड्स में करना है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है. तो जो आपकी क्रिएटिविटी है, आपका एनालिटिकल पार्ट है, वो चेक होगा इन क्वेश्चन में जिनके अंदर 100 वर्ड्स तक जाना है. इकोनॉमी और हिस्ट्री से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बड़े वाले भी मिलेंगे, लेकिन सोशियोलॉजी, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वहां से आपको मिलेंगे छोटे क्वेश्चन. यानी जो सिलेबस में है वहीं तक अपने आप को सीमित रखना है. सबसे खास बात इस एग्जाम की, यहाँ पे यूपीएससी जैसा डिलेमा नहीं है कई बार कि न जाने कहां से क्वेश्चन आ जाए. जो कुछ भी आएगा वो आपको एज इट इज सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, वहां से बाहर नहीं आने वाला. जब हम पेपर 2 की तरफ जाते हैं वहां हमें देखने को मिलता है, जैसे कि यूपीएससी में GS4 है वैसे यहाँ पे आपको मिलेगा एथिक्स देखने को. उसके बाद जो यूनिट 2 है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा पेपर यूपीएससी के जैसा ही दिखाई देगा. और तीसरा पार्ट है ज्योग्राफी, जिसमें कि राजस्थान और इंडिया एंड वर्ल्ड एंड ज्योग्राफी वाला पार्ट आ जाता है. जिस जगह पर राजस्थान और इंडिया है वहां पर आपको 50-50% का वेटेज मिलेगा, बाकी सारे में सब्जेक्ट का डोमिनेंस रहेगा. जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि राजस्थान से ही बहुत ज्यादा आने वाला है, इट्स अ जनरल सब्जेक्ट. तो जैसे यूपीएससी में पढ़ते हैं उसी तरीके से यहाँ पे रहता है, बस यहाँ आपको कमांड ओवर योर राइटिंग स्किल थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि 15 वर्ड्स 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स अपनी बात को बड़े क्रिस्प में लिखना, क्योंकि कुछ फैक्ट्स बताने हैं, अपनी बात को थोड़ा सा बड़ा करके बताना है, वहां पर फैक्ट्स भी रहेंगे और आपका थोड़ा सा एनालिसिस रहेगा. और 100 वर्ड्स में आपने जो भी करंट अफेयर में पढ़ाया है, जो भी आपका टॉपिक का नॉलेज है, वो सारा दिखाई देगा 100 वर्ड्स के अंदर. जब हम तीसरे पेपर की तरफ जाते हैं, हाँ, दूसरे पेपर में जो हमें देखने को मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 100 वर्ड्स के हैं उनका वेटेज इंक्रीज हो गया, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो
टू मार्क्स के लिए या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए वो डिक्रीज हो जा रहे हैं। इसका मतलब साइंस, एथिक्स और ज्योग्राफी, यहाँ आपका जो कवरेज है वो मोर एनालिटिकल है, थोड़ा सा विश्लेषण ज्यादा होगा पेपर 1 के कंपैरिजन में। ठीक, पेपर 3 की तरफ हम जब जाएंगे तो वापस से 3 यूनिट, हर यूनिट का वेटेज बराबर। यहां हमें देखने को मिलेगा पॉलिटी, आईआर, करंट अफेयर। अब इस यूनिट के बारे में मुझे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। जब आप इस यूनिट को देखोगे तो हम जनरली ये कह के चले जाते हैं कि इसमें तो पॉलिटी है, पर जब बिटवीन दी लाइन आप सिलेबस को ऑब्जर्व करोगे तो इसी पॉलिटी के पेपर में आपको इंटरनल सिक्योरिटी दिखाई देगा, एक्सटर्नल सिक्योरिटी दिखाई देगा, क्लाइमेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो पर्यावरण की बातें करते हैं वो सब भी हमें इस पेपर में दिखाई देते हैं। दैट मीन्स जिस तरीके से यूपीएससी मेंस के लिए सिलेबस के बिना तैयारी करने का मतलब नहीं, आरएएस में भी विदाउट सिलेबस की थॉरली स्टडी करे हुए तैयारी करने का मतलब नहीं है। तो पहला जो एम है, जो पहला स्टेप है, वो है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, सिलेबस को जानना और पुराने साल के पेपर्स का एनालिसिस करना किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले सालों में। सेकेंड यूनिट के अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि राजस्थान का पवेड और इंडिया यानी कि जनरल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज है उनको पूछा जाता है। फाइनली यूनिट 3, वापस से इस यूनिट से आपको बड़े क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे, छोटे क्वेश्चन योगा, बिहेवियर, लॉ, यहां सभी से आपको मिलेंगे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले। बाकी जो 10 मार्क्स जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको मिलेंगे पॉलिटी वाले सेक्शन और पवेड वाले सेक्शन से। ठीक, पेपर 4 2 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। हिंदी का वेटेज ज्यादा है बिकॉज राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ कई सारी चीजें हिंदी में ज्यादा डिस्कस होती है, इसीलिए हिंदी को रखा हुआ है। बट जब किसी दूसरे स्टेट्स के साथ में आपको डील करना है, फॉरेन डेलीगेशन के साथ में आपको डील करना है, सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू नो द आइडिया ऑफ इंग्लिश, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन को बनाना है, पीपीटीज को कैसे बनाना है, किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, तो वो भी आपका चेक हो जाता है पेपर 4 में। यहाँ पे ग्रामर भी रहेगा, एसेज भी होंगे, लेटर राइटिंग्स भी होगी, सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यूपीएससी के अंदर ये ऑप्शनल है, दैट मीन्स कि आपको पूरा नहीं लाना है, कुछ मार्क्स वेटेज लेके आना है, उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाते हो। बट यहाँ पे मेरिट के अंदर इसका रोल है, हिंदी इंग्लिश का पेपर मेरिट का पार्ट है, इसीलिए उसको उतना ही सीरियस लेना है जितना कि जीएस 1, 2 और 3 को लेना है। अब जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर करोगे फिर आपको आइडिया लगता है कि मेंस के लिए पढ़ना है। बट ये टेंडेंसी ठीक नहीं है। अगर आप मेंस के प्रस्पेक्टिव से ही पढ़ाई कर रहे हो तो प्रीलिम्स की तैयारी तो उसके साथ में हो ही जाती है, तो जो नेक्स्ट ईयर अपियर होने वाले हैं वो अभी से इस तरीके से पढ़ाई करें कि हमें मेंस का करना है, प्रीलिम्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन इनडायरेक्टली आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए तैयार कर रही है। ठीक है ना, तो जो दे चुके हैं उनको हम अभी डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं उनका पहला मोटिव होना चाहिए मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। और जो घबराहट इस बार के स्टूडेंट्स को देखने को मिली क्योंकि बड़ा जल्दी रख दिया ना पेपर, वो घबराहट भी नहीं होगी क्योंकि आप ऑलरेडी तैयार हो, जस्ट आपको रिवाइज करना है प्रीलिम्स से 1 महीने पहले। ठीक है, तो अगर मैं 2013 के प्रीलिम्स की बातें करूं, उस प्रीलिम्स के अंदर नंबर ऑफ सीट थी अराउंड 990 सीट थी और बैठने वाले जो स्टूडेंट थे वो लगभग 2 लाख के आसपास थे। ठीक, कट ऑफ जो निकल के आई वो जनरल बॉयज 63 एंड जनरल गर्ल्स 49। मैं यहाँ पे जनरल बॉयज और गर्ल्स को ही लेके चलूंगा क्योंकि वहीं से फिर बाकी सारी कट ऑफ डिसाइड होने वाली है। ओबीसी बॉयज गर्ल जनरली बराबर रहेंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आसपास ही रहेंगे, बाकी रेस्पेक्टिवली कैटेगरीज में क्या होगा 5 to 6 मार्क्स डिक्रीज कर लोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहा, जब पहली बार कट ऑफ आई वो आई 63, काफी कम है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी कम है, पेपर 2 से 3 बार हो चुका था इसलिए जो रुझान था स्टूडेंट्स का वो थोड़ा सा कम हो गया, स्टूडेंट कम बैठे, कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिली। बाद में कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया गया क्योंकि वहां पे कुछ मिस इंटरप्रिटेशन था, उसी के साथ में आपको देखने को मिलता है 3 नंबर की कट ऑफ कम हो जाती है। तो दैट मीन्स इस बार के पेपर में भी जैसे जैसे क्वेश्चन डिलीट होंगे वैसे वैसे कट ऑफ के ऊपर भी आपको फर्क देखने को मिलेगा, कट ऑफ भी उसके साथ में कम हो जाएगी। 2016 का पेपर, बैठने वाले स्टूडेंट हो गए ये लगभग 3 लाख और सीट्स हैं पहले की तुलना में कम 760, तो कट ऑफ भी क्या देखने को मिली है पहले से ज्यादा। कट ऑफ पहुंची जनरल की 78 बॉयज
और गर्ल्स 68, 10 मार्क्स के आसपास का वेरिएशन रहता है बॉयज और गर्ल्स की कट ऑफ के अंदर, बिकॉज स्टेट पीएससी के लिए मैं गर्ल्स के लिए भी अलग से रिजर्वेशन होता है जो कि यूपीएससी में नहीं देखने को मिलता। मैं यहाँ पे बाद में फिर ओबीसी वाला कट ऑफ था जो पहले हाई था उसे हाईकोर्ट के द्वारा बराबर कर दिया गया और ओवरऑल कट ऑफ रही 78 2060 के प्रीलिम्स में। अगेन इन 2018 प्रीलिम्स नंबर ऑफ सीट्स अराउंड 1000 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड 3.7 लाख, लगभग 4 लाख के आसपास स्टूडेंट जा चुके हैं। पेपर का लेवल मॉडरेट था और कट ऑफ हमें देखने को मिलती है जनरल की 76, ओबीसी की इनिशियली हाई थी लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको भी जनरल के बराबर कर दिया गया रूल 15 की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे बैठने वाले स्टूडेंट 3.7 लाख, नंबर ऑफ सीट्स लगभग 1000, पेपर का लेवल मॉडरेट और कट ऑफ 76। इस बार के पेपर में आते हैं, तो इस बार पेपर हुआ 27th of October को, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3.2 लाख, पहले से कम हुए जो 18 में था। नंबर ऑफ सीट्स अप्रोक्सीमेटली सेम 1000 के आसपास, बट कुछ बदलाव है, कई सारी चीजें जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला, पेपर का नेचर हमें इजी लगता है लेकिन नंबर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होने की वजह से पेपर के दौरान वो पेपर हार्ड होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग देखने को ज्यादा मिलती है जब फैक्ट्स ज्यादा होंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, लेस टाइम अवेलेबल, जैसे ही फॉर्म निकला उसके बाद लगभग आपको लगभग 60 दिन ही मिले और उसके बाद पेपर आ गया था तो तैयारी का समय ज्यादा नहीं मिला। बीच में कई सारे बड़े एग्जाम राजस्थान के SI, पटवारी, रीट, इन सब ने भी प्रिपरेशन को क्या करा, ब्रेक करा होगा बहुत सारे स्टूडेंटों की। इस वजह से हमें क्या लगता है कट ऑफ पहले की तुलना में गिरेगी। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्शन ऑन दी आंसर की, अभी 4 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन है, जैसे कि गडगौर वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऑब्जेक्शन है। आज से ऑब्जेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, अभी 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है ऑब्जेक्शन वो SSO ID के थ्रू ऑब्जेक्शन करें, जिसमें से गडगौर वाला क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ राजस्थान वाला क्वेश्चन और स्टेट इलेक्शन कमीशन जिसके अंदर चीफ इलेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरी को एक साथ बताया गया है, वो जनरली वो क्वेश्चन भी उसका भी आंसर ठीक नहीं है। तो जब ये ऑब्जेक्शन के बाद रिवाइज्ड आंसर की आती है 7 और 8 डे के बाद, अगर उसमें कुछ और क्वेश्चन डिलीट हुए तो कट ऑफ गिरना चाहिए पहले की तुलना में और, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन डिलीट होते जाएंगे कट ऑफ भी साथ साथ में गिरेगी। लेकिन एक बदलाव देखने को मिलता है जिसे रूल 15 में चेंज हुआ है, जो जून 2020 के अंदर जो नोटिस आया था, पहले जो RAS में इस तरीके से फिल की जाती थी पोस्ट, हर कैटेगरी को 15 टाइम्स लिया जाता था तो जनरल अपने आप में कैटेगरी बन गया था, बट वो अभी जा चुका है। इस बार क्या होगा, पहले 15,000 स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा, आफ्टर दैट जिस भी कैटेगरी में 15 टाइम्स स्टूडेंट नहीं होंगे उन कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा। तो ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जैसे कि पिछली बार हमें 22,000 और 23,000 देखने को मिल रहे थे, उतने नहीं होंगे और उसकी जगह 17-18 हजार के आसपास स्टूडेंट आएंगे। इस वजह से कट ऑफ जानी चाहिए ऊपर, बट जो बाकी के फैक्टर डिस्कस करें हैं उस वजह से ये कट ऑफ नीचे जाएगी। अगर रूल 15 चेंज ना हुआ होता और पिछले बार जैसा होता तो कट ऑफ 70 से भी नीचे चली जाती जनरल बॉयज और ओबीसी बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 60 से नीचे भी। लेकिन रूल चेंज होने की वजह से जो जनरल को एडवांटेज मिलता था थोड़ा सा, वो एडवांटेज इस बार डायल्यूट हो गया पहले के कंपेरिजन में। तो हमारा एक रफ आइडिया है, अप्रोक्स आइडिया है, अराउंड 72 के बाद जो बॉयज हैं अगर उनके मार्क्स इजीली बन रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें मेंस के लिए, क्योंकि सिलेक्शन होने के काफी सारे चांसेस हैं। गर्ल्स के केस में 65 से ऊपर अगर है तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, पर जो इसके आसपास भी है उन्हें प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि RAS मेंस की प्रिपरेशन ही आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार कर देगी अगली बार के लिए। ठीक, इसीलिए अगर आप 60 क्रॉस कर रहे हो गर्ल्स में और 70 क्रॉस कर रहे हो बॉयज में तो आप जुट जाए क्योंकि समय नहीं मिलेगा। हो सकता है फरवरी में या मार्च में आपका मेंस हो, और जिस तरीके से रीट की भर्तियां लगातार निकली, RAS की भर्ती भी अगली वाली आने वाली ही है, तो अभी आप अगर मेंस को प्रिपेयर कर लोगे तो वो आपके प्रीलिम्स में मदद करेगा अगले बार के। हम क्लासेज के अंदर आपको 2 मार्क्स को किस तरीके से राइट डाउन करना है, 5 मार्क्स को किस तरीके से लिखना है, 10 मार्क्स में किस तरीके से एनालिटिकल स्किल्स को कराना है, ये सभी आपको क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए, बाकी हमारा जो RAS मेंस स्पेशल बैच है उसमें किस तरीके से क्लासेज होंगी, क्या क्या उसके स्पेशल फीचर्स हैं,
गरिमा मैम को बुलाना चाहूंगा, मैम आपको बताएंगे आरएएस मेंस स्पेशल बैच के बारे में। मैं भी गरिमा रखूंगी पूरी। राइट, वेल फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको कहा था, और आप ना केवल ऑफलाइन जो जुड़े हैं, इवन जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सभी ने पूरा एड्रेस सुना, आपने ललित सर का अनुभव सुना, और ये उसमें से अगर मैं उसका क्रक्स बताऊं तो जो आज आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आप जब बन जाते हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो सब आपके काम वो तब आने वाला है। एंड जो आपने योगेंद्र सर का एनालिसिस सुना, ये वो एनालिसिस है जो रणनीति निर्धारित करता है। मेंस में कूदने का या प्री में कूदने का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि आप रणनीति नहीं समझते। तो हमको पहले रणनीति समझनी है, ट्रेंड समझने हैं, क्या चीजें हमसे डिजायरेबल है, उन चीजों को समझ करके ही ये तैयारी हमें स्टार्ट करनी है। और जैसा योगेंद्र सर ने बताया कि आरएएस मेंस के बैचेस हम बहुत ही शीघ्र, एक्चुअली 10 नवंबर को स्टार्ट कर रहे हैं, हम सब आपको आमंत्रित करते हैं, उसमें आइए और डेमो लीजिए। और यदि आपको लगता है कि यहाँ पे राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे इवैल्यूएशन, यहाँ पे मॉक टेस्ट, सब जब आप हर लेवल पे संतुष्ट होते हैं, तो जरूर हमसे जुड़िए, एंड वी विल बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व यू एंड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर मेंस, बोथ इन सिविल सर्विसेज एंड नाउ फॉर दी आरएएस। You know, when we talk about mains, I am reminded of a quote, and that quote is, reading makes a man perfect. You know, reading makes a man perfect, or we can say complete. क्योंकि जो read करते हैं उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, उन्हीं के अनुभव के अतिरिक्त भी। Conference makes a man ready. Conference का मतलब है बातचीत से। जब आप बातचीत करते हैं लोगों के साथ ज्यादा, तो आप ready thinking रखते हैं, यानी spontaneity आती है आपके अंदर। पर जब आप writing करते हैं, तो दैट मेक्स यू एग्जैक्ट। और मेंस का भी जो मेन एक उसका फीचर है, जो जज करना है, उन्होंने आपकी नॉलेज चेक कर ली प्री में, उन्होंने आपकी कॉन्फिडेंस चेक करनी है इंटरव्यू में, पर राइटिंग के माध्यम से, मेंस के माध्यम से वो चेक करेंगे कि आप कितना एग्जैक्ट सोच रखते हैं, ना लेफ्ट ना राइट, आप बैंग ऑन एक्यूरेट कितने हैं अपने एक्सप्रेशन। ये मेंस का मेन उद्देश्य है, और ये आता है जब आप पेन हाथ में पकड़ते हैं, जैसे सर ने बताया, इस पेन के साथ आपका रोमांस, आपका अफेयर, ये स्टार्ट होना चाहिए, और यही आपको एंड तक लेके जाता है। तो पेन एंड यू, दैट विल डिसाइड, एंड योर इट्स यू नो योर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद योर पेन डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड इन द मेन्स एग्जामिनेशन। सो मेन्स एग्जामिनेशन में डेफिनेटली एक्सप्रेशन, राइटिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब मैटर करता है। इसी डिटेल को हम अपने जो मेंस के आने वाले बैचेस हैं उनमें और डिटेल में जाकर के और बताने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो वांट टू मेक इट क्लियर टू ऑल आवर ऑडियंस दैट वी बिलीव मेंस इज आल्सो अबाउट योर लैंग्वेज, आपका भाषा पे पकड़ कितनी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही आपका पूरा अध्ययन होना चाहिए, और यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में आपका अध्ययन होना चाहिए। बायलिंगुअल अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग अपने मेंस के बैचेस स्टार्ट करेंगे। हिंदी मीडियम के लिए अलग रहेगा और इंग्लिश मीडियम के लिए क्लासेस बिल्कुल अलग से रहेंगी। मैंने आपको बताया डेमो भी अवेलेबल रहेगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर काउंसलर्स, द नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन देयर। एंड विद दिस आई वंस अगेन थैंक फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम एंड ऑल द ऑफलाइन एंड द ऑनलाइन स्टूडेंट्स टू डॉक्टर ललित पवार for having spared time for us and being our mentor and guide. Sir, thank you once again, to be guiding us and sharing those such precious gem of anecdotes and experience. They only are nothing but inspiring, now and forever, sir. And Yogendra, to you are our team member, and we are so proud to have you. And I'm sure your analysis, your insights are going to help our students, both for the RAS and for the UPSC. Thank you so much, students, for your time. Thanks. जैसे कि अभी आपने बोला कि UPSC, गुड मॉर्निंग सर, मैं UPSC स्टूडेंट हूँ, और जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि RAS और UPSC की में क्या सिमिलैरिटी है, क्योंकि अभी जैसे मैंने RAS प्री का एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चंस आते हैं UPSC लेवल के, बट ना जैसे RAS का हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो दौरान यूपीएससी की तैयारी के, तो उसको प्रिपेयर करना थोड़ा मतलब ऐसा लगता है डाइवर्ट हो जाता है स्टडी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, आप थोड़ा गाइड करें। और खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली ही यूपीएससी और आरएएस को पढ़ा है,
बट दो जो अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं आरएएस को, दैट मींस अप्रैल और मई तक वो आरएएस में राजस्थान पोर्शन से पूरा उन्हें आइडिया लग गया होगा किस तरीके से राजस्थान हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी में क्या रहता है, राजस्थान पॉलिटी और इकोनॉमी में, चार ही सब्जेक्ट है राजस्थान के, उसके अलावा सारा यूपीएससी वाले ही सब्जेक्ट है। तो अगर प्रिपरेशन पहले से है तो उस केस में तो डायल्यूट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, लेकिन प्रॉब्लम जब आई होगी जब आपने अभी यूपीएससी स्टार्ट किया होगा और अचानक से आरएएस का जाना, यस उस समय होगा क्योंकि दोनों में थोड़ा सा राजस्थान का पोर्शन है उसको आपको अलग से करना होगा और फैक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा होंगे, बट अभी से आप पढ़ रहे हो तो अगली साल के लिए आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आप प्रॉपर दिन में आपका 1 or 2 hours राजस्थान के लिए अलग से निकालते हो या 30 minutes भी डेली अगर निकालते हो तो भी आपका अगले साल के सेप्टेम्बर अक्टूबर तक राजस्थान वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो रखा होगा। और एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब कभी भी पेपर जल्दी में बनता है, खासकर यूपीएससी वाला पेपर तो अभी से बन रहा है अगले साल वाला, आरएएस में क्या है जब पेपर थोड़ा जल्दी बनेगा तो फैक्चुअल ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, बट अगर पेपर में टाइम लग गया जैसे 16 वाला पेपर था 18 वाला, तो पेपर का जो नेचर है वो यूपीएससी की तरफ जाने लग जाएगा। अगर अगली बार का नोटिस बहुत पहले आ जाता है और पेपर होता है अक्टूबर में, तो ये मान के चलिए 50-60% जो क्वेश्चन का नेचर होगा वो यूपीएससी जैसा ही रहेगा, लेकिन अगली बार के लिए आपका डायल्यूट नहीं होगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने अभी पढ़ना चालू किया एक साथ उनके लिए जरूर प्रॉब्लम आएगी पहली बार में। सर नया क्वेश्चन ये था कि जैसे हिस्ट्री होती है तो मतलब किसमें करंट अफेयर आते हैं ज्यादा आता है राजस्थान के अंदर आरएएस में। आरएएस में अगर मैं पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है यानी कि यूनिट टू अराउंड 70 marks है, उसमें करंट अफेयर का रोल काफी दिखाई देगा आपको इकोनॉमी वाले सेक्शन में। सेकंड, जब मैं पेपर टू की बात करूं तो पेपर टू के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो बड़े क्वेश्चन आएंगे 10 marks वाले, वहां पे करंट अफेयर का रोल रहेगा। और एट द सेम टाइम एथिक्स के पेपर में जब आपसे कोई केस स्टडी आती है या 10 marks वाला क्वेश्चन है, अगर आपका करंट अच्छा है, आप रिसेंट न्यूज से होके गुजर रहे हो और आपको कोई एनेक्डोट याद आ जाता है, अगर उसको आपने इनकल्केट कर दिया अपने आंसर में, थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाता है। सेकेंड पेपर के ही तीसरा जो सेक्शन है ज्योग्राफी, उसके अंदर भी जो 10 marks वाले क्वेश्चन है वहां पे करंट अफेयर दिखाई देगा। पेपर थर्ड में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है करंट अफेयर ऑफ इंडिया राजस्थान एंड वर्ल्ड, सो दैट मींस फर्स्ट पेपर में इकोनॉमी, सेकेंड पेपर के तीनों जगह पे एथिक्स साइंस और ज्योग्राफी, एंड थर्ड पेपर में पॉलिटी वाला जो सेक्शन होगा यूनिट वन, वहां पे करंट अफेयर का रोल है। बट उसके अलावा जैसे हिंदी और इंग्लिश में जो ऐसे है, ऐसे में क्या रहेगा, एनवायरमेंट के ऊपर ऐसे आता है जनरली, वुमेन एम्पावरमेंट, जस्टिस इज डिलेड मीन जस्टिस इज डिनाइड, ये पिछली बार का जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आप रीसेंट डेटा को ही तो लिखोगे ना, तो जितना ज्यादा आपने रीसेंट डेटा पढ़ा होगा जो आपको करंट अफेयर होगा तो वो आपको अलग बनाएगा बाकी सबसे, अदरवाइज क्या होगा वही बुक्स का आंसर सभी लोग लिख रहे होंगे तो वहां पे क्या रहता है नंबर ऑफ जो मार्क्स है वो रेस्पेक्टिवली गिर जाते हैं, ठीक है ना। मतलब करंट अफेयर तो पढ़ना है आरएएस के लिए, उससे बच के नहीं निकल सकते। स्टार्टिंग तैयारी जैसे हम कर रहे हैं अभी, तो फिर भी जैसे 2 या 3 साल का करंट अफेयर कितना पढ़ना हो, जैसे करंट अफेयर जैसे इस साल का जो पेपर हुआ उसमें जो हमें करंट अफेयर दिखाई दिया, मेरा ये मानना है कि जनरली पेपर से जो 7 months पहले का जो टाइम है 6 or 7 months, वहां से करंट अफेयर का प्रीलिम्स में अराउंड 70-80% क्वेश्चन रहते हैं। उसके अलावा जो 1 साल अगर पीछे चले जाते हैं और कुछ बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट हुआ है, वहां से भी हमें 20-30% देखने को मिलता है। तो यूपीएससी की तरह बहुत ब्रॉड नहीं है करंट अफेयर, जैसे यूपीएससी में तो 2 or 3 साल तक भी पीछे चले जाते हैं, आरएएस में उसी साल के आसपास वाला जो करंट अफेयर है 1 year का करंट अफेयर आप मान के चले सही रहेगा। हाँ, राजस्थान के लिए आपको न्यूज जैसे राजस्थान की मैगजीन है सुजस मैगजीन, या राजस्थान स्पेसिफिक हम आरएएस टुडे निकालते हैं उसमें राजस्थान वाले पार्ट को कवर करते हैं, वहां आपको अपना जो प्रिपरेशन है वहां से करना पड़ेगा। बाकी इंडिया के लिए आप जहां से पढ़ रहे हो वहीं से करते रहे, यूपीएससी में जहां से कर रहे हो वहीं से। और किसी, हाँ सर, जैसे मैंने अभी दिया था प्री, हाँ तो हो सकता है मेरा है ना इसमें अच्छे से आ रहे मार्क्स। अच्छा, जैसे मैं आरएएस का मेंस की करूँ तो राजस्थान का बिना पढ़े हो सकता है क्या, जनरल से हूं मैं, राजस्थान का बिना पढ़े इकोनॉमिक सर्वे के अलावा और ना पढूं मैं? देखो, अगर पेपर वन की बात करें तो पेपर वन का लगभग जैसे हिस्ट्री वाला पार्ट है तो वहां पे आपको 30-35 राजस्थान से रहेंगे, फर्दर इकोनॉमी वाले में 30 marks के आसपास राजस्थान, यानी पेपर वन में आपको 60 मिस हो जाएगा, आपका 140 में से आपको लाने हैं। सेकंड पेपर में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में से 30 marks के आसपास राजस्थान से गया और 10 or 20 के आसपास साइंस से गया, तो वहां भी 150 मार्क्स हो गए और पेपर थ्री में भी 150, तो यानी ओवरऑल आपने 150 मार्क्स रिमूव हो जाते हैं आपके तीनों पेपर में मिला के राजस्थान से। तो राजस्थान को छोड़ के जा रहे हो उसका मतलब आपका इंडिया और वर्ल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए उस केस में, इतना अच्छा कि कोई भी मिस आउट ना हो क्वेश्चन।
सर जैसे इकोनॉमिक सर्वे आता है ना राजस्थान का, हाँ, वो अच्छे से कर रखा है मैंने। तो इकोनॉमी में वो आपको मदद करेगा, पेपर वन में बहुत अच्छे से मदद करेगा राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक सर्वे। यस, उसके अलावा और कुछ मतलब और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको राजस्थान का। इनफ है ना वो? इनफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि फिर देखो कॉपी चेक हो रही है और उसमें राजस्थान का पार्टी मिसिंग है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे आंसर्स पे भी इम्पैक्ट दिखाएगा आपको। बट अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और फर्स्ट टाइम आरएएस राजस्थान वाला पोर्शन आपने किया नहीं है लेकिन सर्वे किया हुआ है, तो भी आप जा सकते हो उसके बाद। बाकी जगह आपको काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सर मैंने मेरी प्रिपरेशन अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीने पहले स्टार्ट करी थी, सेल्फ स्टडी। ओके, बट सर मतलब जो इंडियन पोर्शन है वो आई कैन कवर फ्रॉम द इंटरनेट एंड देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ दैट। ओके, बट जो राजस्थान पोर्शन है उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है दे आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश, सो आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो सर मतलब जैसे जहां से मुझे जो मिला लाइक कोचिंग के नोट्स हो गए किसी के या फिर कहीं से भी जो मतलब मैंने करा उसके अंदर, बट सर प्री के अंदर आई हैव ऑब्जर्व दैट कि स्टैंडर्ड बुक्स आर मतलब नेसेसरी, तो सर उसके लिए क्या करा जाए? मतलब स्टैंडर्ड बुक है ना अवेलेबल, आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स है दे आर इन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको। नहीं सर, जैसे राजस्थान अध्ययन की बुक्स है तो दे आर अवेलेबल इन हिंदी, अवेलेबल है इंग्लिश में भी अवेलेबल है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है उनको ढूंढने के लिए। जैसे 11th और 12th क्लास की जो बुक है ना आरबीएससी बोर्ड की वो इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन आप वहां से कर सकते हो, इकोनॉमी वाला जो सर्वे है वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, बजट का जो समरी है वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों के अंदर है, और राजस्थान के अंदर जो सोजस है वो जनरली हिंदी में है लेकिन हमारी मैगजीन में हम उसको इंग्लिश के अंदर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब वो दौर में अब इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये गैंग्स कहाँ का ऑपरेट कर रही है, इनका कैचमेंट क्या और कमांड एरिया क्या, और फिर हम जाके जो एटीएस है ना एंटी टेररिस्ट स्क्वाड गार्ड गेट उनका ऑफिस, मैं खुद वहां गया एडिशनल डीजी के साथ मीटिंग, मैंने कहा सर हमारा एग्जाम आ रहा है और ये इतनी इतनी प्रतिभाएं यहाँ यहाँ बिखरी हुई, तो उन प्रतिभाओं के कमांड एरिया से कोई हमारे लीक हो जाए तो कोशिश करो कि अगर ए जिले का कैंडिडेट है तो उसको सी में भेजा जाए, बी वाला उसको डी में भेजा जाए, ताकि कम से कम लोकल नेक्सस नहीं, यही कारण होता है और कोई कारण नहीं होता, क्योंकि इम्पार्शियलिटी से ढंग से एग्जाम कराना ताकि जो मेहनती बच्चे हैं जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनको ये नहीं लगे कि यार हम गैंग में ही गिर हमारे रह गए अब काम कहाँ, इस तरह से ये मैं मानता हूँ इनकन्वीनियंस होती है, असुविधा होती है, आई एग्री, बट आप देखिए चूंकि हमारी गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमने देखा कैंडिडेट्स को फ्री अलाउ किया, कितनी बड़ी बात थी। ये हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की सेंसिटिविटी बताती है, तो खुद भी कॉलेज डेज में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, साइंस फैकल्टी के प्रेसिडेंट थे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से हूँ, वो हमारे से 3 साल सीनियर थे, तो जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था वो मास्टर्स में थे, बट उनकी ये सेंसिटिविटी थी कि जब बच्चा एग्जाम दे रहा होता आप जैसे लोग हैं तो कई बार कई अधिकांश लोगों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है ना, और आपने सेंटर और दूर दे दिया, मान लीजिए मैं जयपुर का रहने वाला और मेरा सेंटर सीकर आ गया तो मुझे किराया देके जाना पड़ेगा, उन्होंने ठीक किया। तो इस तरह की कंसिडरेशन जो सेंसिटिव गवर्नमेंट्स होती हैं वो लेती हैं, डिसीजन करती हैं, बट एक बात मैं आपको विश्वास करना चाहूँ, जैसे अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है आरपीएससी के, जो हमारी डीजी पुलिस रहे है ना, बहुत ब्रिलियंट हैं, खुद डॉक्टरेट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, और उनका पूरा एक नेटवर्क है, तो आपने देखा फटाफट एग्जाम रिजल्ट भी आए। तो अगर आपका सेंटर चूंकि वो चॉइस नहीं मांगी, हालांकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया सौरभ, नेक्स्ट मीटिंग जब मैं उनके साथ मुलाकात होती रहती है हमारी, उनको मैं कहूँगा कि यूपीएससी की तरह अपने को भी सेंटर्स की चॉइस पूछ लीजिए, दैट इज़ अ गुड वेरी गुड आइडिया। आज के सेशन का ये फीडबैक है विच आई विल कन्वे टू चेयरमैन सर, यू शुड आस्क द चॉइस सब्जेक्ट टू द विजिलेंस कंसिडरेशन, अगर आपने चॉइस वैसी मांग ली कि उसमें वो प्रतिभाएं बीच में आ रही तो फिर वो नहीं मिलेगी, प्रतिभाओं का थोड़ा ध्यान रखना, बहुत खतरनाक होती है, आपने देखा ना नीला दांत और बुरा दांत, याद रखना ठीक है। रिलेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो ऑब्जेक्शन होते हैं, जैसे अभी आंसर की कंगोर वाला, तो ऐसा क्वेश्चंस देख ऐसा क्यों होता है? क्या नाम बेटा आपका? वेद गुप्ता सर। वेद गुप्ता, गुप्ता जी, जी सर, गुप्ता जी बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत वैलिड है और हमने इसको नोट भी किया है, क्वेश्चंस को लेके बहुत मारामारी होती है कई बार, ये मैंने एक बार फेस किया खुद भी, या चेयरमैन आरपीसी फेस किया, मैंने आपसे शेयर भी किया था, ये साइंस के विद्यार्थी कौन है काफी है ना साइंस के लोग, आपने नाम सुना विप ग्योर, सुना है ना VIBG, विप ग्योर,
जो स्पेक्ट्रम के कलर्स होते हैं, ओ हो सारो बेटे क्या बताऊं गुप्ता जी, मतलब क्या घमासान हुआ इस क्वेश्चन को लेके, मुझे खुद हाईकोर्ट जाना पड़ा और कन्विंस करना पड़ा। अब इंग्लिश में कहावत है, वो अपने संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में तो उसको कहते हैं फूल्स नेवर डिफर, फूल्स नेवर डिफर एंड द वाइज मैन नेवर यूनाइट। मूर्खों में भिन्नता नहीं, विद्वानों में एकता नहीं, ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। और इसके विक्टिम कौन है, अपन हो जाते हैं, यानी एज ए कैंडिडेट एज ए गवर्नमेंट। तो मान लीजिए हमने पूछा विद गवर्नमेंट सेंटर्ड कलर कौन सा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्रीन, अब कुछ विद्वानों ने क्या करना, ये तो येलो है, वाइट। तो मुझसे पूछा कुमार साहब अब आप बताओ, मैंने कहा भाई मैंने तो फिजिक्स का प्रोफेसर तो हूँ नहीं, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने कहा सर टेक्निकली आप हो तो मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, मैं तो आई विल गो बाय द टेक्स्ट बुक रिटन बाय द एमिनेंट स्कॉलर्स। और वो ये कह रहे हैं कि ग्रीन है या हरा है जो भी है, अब टेढ़ा है पर मेरा है, मतलब क्वेश्चन तो मेरा ही है ना, करें क्या इसका। अब विद्वानों में एकता नहीं और मूर्खों में भिन्नता नहीं, तो हमने बुलाया प्रोफेसर साहब, हमको टॉप प्रोफेसर जो पीएचडी हाईएस्ट हार्वर्ड के पढ़े हुए पर टॉप के प्रोफेसर बुलाए, उनका गुरु जी मेरा जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उन्होंने पूरे कमरे बैठा दिया, बंद कर दिया कमरा, अंदर से खाना वाना भेजो, शाम तक मुझे बता दो उसका सही आंसर क्या। तो उन्होंने कहा नहीं सर, पांच प्रोफेसर ने कहा कि मान लीजिए ग्रीन थोड़ी देर के लिए थ्योरेटिकल, फिर मैं कभी आठ प्रोफेसर को और बुलाओ कोई फिजिक्स के, उसमें मैथमेटिक्स भी डाल दो थोड़ा बहुत जो भी, मैं गुरु जी बात ही आप बताओ, नहीं सर ये तो वही है। और उन्होंने कहा मैथमेटिकली आई कैन प्रूव दैट दिस इज येलो, तो दूसरा उनका फिजिक्स से आई एज ए फिजिक्स प्रोफेसर आई कैन प्रूव इट इज ग्रीन, अरे तो भाई अब मैं किधर जाऊं। सो ऐसा होता कई बार क्वेश्चंस में, विद्वानों में भी कई बार होता है, और रिसर्च चेंज होती रहती है अपडेटेड पूरा, तो मैथमेटिकल ही इज राइट एंड फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ही इज राइट। अब उस चक्कर में हम कहां जाए, हम तो बायोलॉजी वाले हैं। तो फिर मैंने हाईकोर्ट में भी ये कहा, एज चेयरमैन ने कहा, मैंने कहा योर लॉर्डशिप एज चेयरमैन ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन व्हाट आई वुड डू, आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर्स प्लीज कम एंड advise me, guide me. Now, if five professors say that the Vipgev center color is G and eight professors say no, it is Y, yellow. Manga sir, I am supposed to be color blind. So, what will happen? I will go by the larger number of scholars. And what is the larger number of scholars? Ek taraf to paanch professor hai, ek taraf 10 hai, 8 hai. Wo keh rahe hain. अब ऑब्वियसली आई कांट गो टू द नोबेल कमिटी इन स्वीडन के साथ नोबेल पुरस्कार से, बताओ भैया क्या है, इतना टाइम थोड़ी होगा। मैंने फिर आगे बोला कि यार इस तरह का तुम क्वेश्चन दिखाई मत करो भाई, ये जो मारावारी करता है मलेमारी करता है, बिकॉज अगेन फूल्स विल नेवर डिफर बट द वाइज मैन नेवर राइट। तो फिर हाईकोर्ट ने कहा यू वेंट बाय द मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन, यस सर आई वेंट बाय द मेजोरिटी ओपिनियन, बिकॉज कि मैंने कोट किया अगेन, अगर आप पढ़ते लिखते हैं अपडेटेड हैं जैसे मैडम ने बताया, कौन सा आर्ग्यूमेंट कहां यूज करना है, उनके आर्ग्यूमेंट से हमने उनको ही कन्विंस किया। और मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को कहा ऑफ कोर्स बंगला बैंक के विद ड्यू रिगार्ड यू मस्ट नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट रिगार्ड एंड योर होमवर्क। मैंने भी कहा अंकल योर लॉर्डशिप काइंडली अप्रिशिएट, even in supreme courts and high courts there have been differences of opinions and there are any number of cases, very large number of cases friends, where a three judges bench ruled, for example Manisha Madam's height is 5'6", three bench judge ruled, but then the sixth bench judge rule, no, it is 5'6½". So what is the procedure? You will go by the larger bench. So again, the ninth bench just came, no. Manisha ji's height is not neither 6, neither 5½, it is 5'7". So the principle of jurisprudence is
that in a simple question, height of manifestation is a fact. There are three opinions. So what is the law? Law says, go to the largest bench. The largest bench, kya kare thi? 5'4". Ab agar inki height 5'4" hai aur 9 bench ne keh diya nahi 5'6" hai, kyunki haan sir main kal se heel pehen lo ki 5 se maan liya tha. Because how long can you go on litigation? There has to be an end. इसलिए आजकल हमने ये सिस्टम कर दिया, जुडिशियल सिस्टम आपने जो लॉग रेज उस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि द डिसीजन ऑफ लार्जर बेंच वुड प्रिवेल, चाहे मैनिसा मैडम को हिल पैडनी पड़े, क्योंकि बेंच ने कह दिया आप 5'6" हैं तो 5'6" है, अगर आपने कह दिया मेरे 5'4" है तो कंटेंट होगा, तो ध्यान रखना. आइडिया इज दैट यू गो टू द लार्जर बेंच एंड दैट इज द फाइनल डिसीजन. एंड दैट्स व्हाई ये सारा क्वेश्चन जो है ना गुप्ता जी इसीलिए क्रिएटिव था. और उसमें वी गो बाय द एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई प्रेजेंटेड आई वाज प्रेजेंटिंग द कोर्ट मैंने ये सबमिट किया मैंने कहा सर आई वेंट बाय द ओपिनियन ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ प्रोफेसर्स देन द स्मॉलर नंबर ऑफ प्रोफेसर्स बिकॉज़ आई हैड नो ऑप्शन एंड योर लॉर्डशिप विल अप्रिशिएट दैट इवन इन जुडिशरी अ जजमेंट ऑफ अ लार्जर बेंच ऑलवेज ओवररूल्स जजमेंट ऑफ अ स्मॉलर बेंच एंड दैट वाज प्रोफेसर ठीक है वी पेन नहीं कल से Thank you. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.